ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्या और आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन व्हाट ए फैंटास्टिक चैप्टर। सो बॉस, पढ़ाई कैसा चल रहा है? रिवीजन वीडियोस प्लीज एटलीस्ट 3 से 4 बार देखते रहना। सब चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस में डाल रहा हूं एंड टुडेज चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को ये सुना है, इनफैक्ट मैंने खुद ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं ट्राई किया था कि ये चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ दूं, बट नहीं किया मैंने ऐसा। आई डिड इट एंड ट्रस्ट मी दैट वॉज माई वाइजेस्ट डिसीजन। आपको भी मैं एक बात बता दूं कि लॉजिकली अगर आप इसको समझोगे ना तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अपन क्या करते हैं पता है, गलती अपन फॉर्मूला लर्न करने को क्रैम करने के लिए कोशिश करते हैं एंड दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम बिगिंस। उससे अच्छा लॉजिकली समझो ना कि क्यों ये चैप्टर आया है एंड देन सी हाउ थिंग्स बिकम सिंपल। ऑब्वियसली रिविजन सीरीज है तो मैं बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, इंटरमीडिएट, फाइनल, कहां के भी आप स्टूडेंट हो, यू कैन लिसन टू दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा इन अ रिविजन मैनर। सो चलो भाई, शुभकाम में देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड आई एम श्योर अब आने वाले 1-2 घंटा जो भी मेरा ये सेशन चलेगा उसके बाद आपको भी काफी मजा आएगा इस चैप्टर को रिवाइज करने में। एंड 2-3 बार अगर आप लोग ने ये सुन लिया ना देन कोई भी सम आप सॉल्व कर पाओगे एकदम स्मूथली। एंड जो 10-20 मार्क्स का वैक्यूम रहता था या एक डर रहता था इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल नाउ बिकम योर वेपन जहां पे आप इजिली इसको मैनेज कर पाओगे। तो चलो यार, शुभकामनाएं देरी किस बात की, फटाफट ऑन दैट नोट मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मार्क्स वेटेज के साथ। एंड अगर आप देखोगे मैं ये यहाँ पे न्यू सिलेबस SCMP के वेटेज के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे देन इन दैट केस दिस चैप्टर हैज कम इन द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द अटेम्प्ट्स। तो इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है कि बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में उसको पूछना ही है एंड मिनिमम 10 मार्क्स का वेटेज। ऐसा नहीं है कि एक अटेम्प्ट में 5 मार्क्स, जैसे चैप्टर 4 भी आप देखोगे ना तो आया हर अटेम्प्ट में, बट एक अटेम्प्ट में 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, कभी 20 मार्क, कभी 40 मार्क्स। यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, 10-20 मार्क्स का रेंज है, मतलब बाय डिफॉल्ट 15 मार्क्स का आने ही वाला है एग्जाम में। एंड ये इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स स्टूडेंट्स ऑप्शन में छोड़ देते हैं, आई डोंट नो हाउ, सो लेट्स नॉट डू दैट मिस्टेक, बराबर से करेंगे एग्जाम में। मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन सिंपल आते हैं बट अपन ने किया ही नहीं होता है तो इसलिए अपने को आइडिया ही नहीं रह पाता है कि ओके इतना ईजी था ये, ठीक है। हाउ डज इट ऑल वर्क, पहले फॉर्मूलाज, उसका अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है उसका एक क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनली टूवर्ड्स एडवांस्ड वेरिएंसेस, सब अपन इस रिवीजन वीडियो में कवर करने वाले हैं, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आइए ओपन कीजिए मैजिक बुक और वट एवर बुक यू हैव फॉर नाउ। इसका मैं ट्राई करूंगा, ये जो फॉर्मूला के नोट्स है वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑन द गूगल ड्राइव, सो दैट आप लोग इसका बेनिफिट ले पाए, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जैक्टली क्या है, तो जैसा मैंने आपको बोला एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू ऑल कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया कहां से, उसका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। उसके बाद में वेरिएंसेस क्या होता है, फिर बाद में वेरिएंसेस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आया प्रॉफिट वेरिएंस एंड प्रॉफिट वेरिएंस में सब डिवाइड होता है आपका मटीरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंसेस। फिर एक बहुत ही इनडेप्थ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, जो इंस्टीट्यूट बहुत बोलते हैं ना हाई लेवल पे उसको एक्सपेरिमेंट करता है, आरटीपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। फिर और एक अच्छा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है विच इज रिकंसिलिएशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड अपना जो बजटेड प्रॉफिट था उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिफरेंस, उसका एक रिकंसिलिएशन तो वो है। इन्वेस्टिगेशन वेरिएंस के भाई क्यों कोई भी वेरिएंस हो रहा है उसके पीछे के रीजंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, ये आज की तारीख में इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट है, मतलब चांसेस आर कि 9 out of 10 times, ध्यान से सुनो, 9 out of 10 times प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू इट। फिर है मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस, इज अ टिपिकल थियोरी क्वेश्चन, पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंस के भाई कई बार आप एक चीज बेटर करने में दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, दूसरी चीज बेटर करने में पहले के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है, उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंसेस। एंड लास्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है मैकडोनल्डाइजेशन, छोटा सा 1 पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट है,
all of this in the upcoming few minutes. Chalo bhai, let's get started. Open your books and aane wale 2 ghante ke liye sab distractions band. Look into my eyes. Let's get started with standard costing. तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करें उसके पहले समझना बहुत जरूरी है कि यार ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया कैसे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले समझ लो कि देखो बिजनेसेस आर गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कोई भी बिजनेस का एंड इंटेंट एक ही होता है, वो है अपना सपना, मनी मनी मतलब अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. बराबर. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्मॉल फर्म टू अप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो वो किसके किस कौन यूज करता है बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? मीडियम एंड हाई लेवल फर्म्स जिनका टर्नओवर अच्छा खासा है एंड जिनको एक्चुअली एक चेक रखना है कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है. तो अपन यहाँ पे लेते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी का. तो मुकेश अंबानी ऑब्वियसली वॉन्ट्स टू नो के अब भाई उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होने वाला है आने वाले साल में. क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जब शेयर होल्डर्स के सामने जाएगा तो शेयर होल्डर्स के साथ जब मीटिंग करेगा तो ही हैज टू डिस्कस टू थिंग्स. एक, लास्ट ईयर उसने क्या प्रॉफिट प्रॉमिस किया था और कितना प्रॉफिट आया है, कंपैरिजन ऑफ पास्ट बजट विद एक्चुअल्स, एंड ये बार वो क्या प्रॉमिस कर रहा है सो दैट द शेयर होल्डर्स रिमेन इन्वेस्टेड. अब शेयर होल्डर से जब वो बात कर रहा है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया चाहिए. ये प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया उसको आएगा कहां से? कहना से उसकी इंटरनल टीम से. सो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के क्या आपने बजट किया था अपने प्रॉफिट को एंड एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना आया है, उसी का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बट कैसा है पता है क्या? प्रॉफिट खाली मुकेश अंबानी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मुकेश अंबानी ने क्या किया है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट कर दिया है. तो मुकेश अंबानी के पास एक प्रोडक्शन टीम है, एक परचेस टीम है, एक लेबर टीम है, एक एचआर टीम है, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का टीम है, एक सेल्स टीम है, एक मार्केटिंग टीम है. तो ये जितने भी टीम्स है सब मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई टोटल कितना प्रॉफिट आएगा एंड दैट इज व्हाट मुकेश अंबानी विल गो एंड टेल टू हिज शेयर होल्डर्स. बराबर. सो जब मुकेश अंबानी मटेरियल्स टीम के पास जाएगा तो मटेरियल टीम के पास है ना दो मैनेजर्स होते हैं. एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दूसरा होता है परचेस मैनेजर जो रॉ मटेरियल परचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो परचेस मैनेजर बोलेगा कितने में अपने को रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कितना प्रोड्यूस करना है, उस बेसिस पे पता चलेगा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना है. अब प्रोडक्शन मैनेजर भी डिपेंडेंट है सेल्स टीम के ऊपर. सेल्स टीम मार्केटिंग टीम विल डिसाइड कि भाई टोटल ये आने वाले साल में कितना डिमांड आने वाला है. बेस्ड ऑन दैट डिमांड फोरकास्टिंग वो अपना सेल्स बजट बनाएंगे एंड दैट सेल्स बजट के बेसिस पे प्रोडक्शन बजट बनेगा. प्रोडक्शन बजट के बेसिस पे परचेस टीम परचेस करेगी रॉ मटेरियल एंड देन फिर बाद में लेबरर्स विल वर्क इन मेकिंग द प्रोडक्ट एंड फाइनली अपने पास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आएगा. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड इंटेंशन क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. बट प्रॉफिट खुद से तो आएगा नहीं. प्रॉफिट कहां से आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट. बराबर है. अब सेल्स के लिए मेरे पास सेल्स टीम है तो मेरे को सेल्स टीम के पास जाके उनका एक बजट लेना पड़ेगा कि भाई टोटल क्या एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ डिमांड क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर कितना है, उसमें से अपन कितना कवर करेंगे मार्केट शेयर. ये सब का जो फॉर्मेशन है ना That gives rise to sales variances. कि भाई क्या सोचा था हमारी सेल्स टीम ने और एक्चुअल में सेल्स टीम ने कैफा परफॉर्म किया है. इन द सेम वे मटीरियल टीम, लेबर टीम, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सबकी जो टीम होगी ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उनके कॉस्ट के लिए. सो यहां पे हर एक टीम आएगी. मुकेश, सपोज मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरे पास पहले सेल्स टीम आएगी तो मार्केटिंग टीम आके बताएगी कि भाई कितने यूनिट सेल होने वाले. मेरी सेलिंग प्राइस की टीम आके बताएगी कितने में वो यूनिट सेल होगा, उससे मुझे टोटल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, उससे मुझे पता चल जाएगा मेरा टोटल बजटेड सेल्स कितना है. अब ये बजटेड क्वांटिटी के बेसिस पे प्रोडक्शन टीम अपना प्रोडक्शन कितना होने वाला है उस कितना कंजम्पशन करेगी रॉ मटेरियल का वो पता चलेगा. परचेस टीम बताएगी कि भाई कितने में परचेज करना है. ऐसे मेरा लेबर टीम के साथ मीटिंग होगा, मटेरियल्स टीम के साथ मीटिंग होगा,
सब जो कॉस्ट वाली टीम है उनके पास से टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो सेल्स की टीम है उनके पास से सेल्स का फिगर आ जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट करूंगा मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये बजटेड नेट प्रॉफिट जो मेरे पास आया है दैट इज व्हाट आई विल टेल टू माय शेयर होल्डर्स। ये बॉस देखो ये बजटेड नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में, तो प्लीज आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए बिकॉज दिस इज द ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग एट। अब योर एंड होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वापस से मुकेश अंबानी आएंगे। अब मुकेश अंबानी वापस से अपने शेयर होल्डर्स को मीट करे एंड ग्रीट करे, उसके पहले कैन आई से वापस से सेल्स टीम। अब सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मार्केटिंग टीम और सेलिंग प्राइस टीम का, तो उन दोनों को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा भाई आपने कितना एक्सपेक्टेशंस बताया था और कितना एक्चुअल में किया है, एंड उस बेसिस पे एनालिसिस होगा वेदर दे हैव परफॉर्म गुड मतलब फेवरेबल और वेदर दे हैव परफॉर्म बैड मतलब एडवर्स। एंड ये मटेरियल्स, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स सब डिपार्टमेंट के साथ जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एनालिसिस किया जाएगा, एक इवैल्यूएशन किया जाएगा, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे नेट प्रॉफिट में कितना डिविएशन आया है, जो मैं मेरे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करूंगा एंड उनको पता चल जाएगा ओवरऑल कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूट कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट हुआ के रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो, डेलीगेट कर दो बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, एंड उनका एक असेसमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, एंड उस बेसिस पे फेवरेबल या अडवर्स जैसा परफॉर्म किया है, दैट्स हाउ द होल सिस्टम लुक्स एट। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये मेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होल कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब इसके एक एक डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, आइए। तो अब इस एग्जाम्पल को बेस बना के अपन लोग पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करने वाले हैं। आइए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। सो जैसा अपन लोग ने देखा कि मुकेश भाई को पूरा एक प्लानिंग आइडिया आ गया कि भाई कितना ओवरऑल नेट प्रॉफिट आने वाला है, कौन से डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, भाई मार्केटिंग टीम कितना सेल्स करेगा, सेलिंग प्राइस मार्केट में अपन क्या रखने वाले हैं, मटेरियल के लिए कितना कॉस्ट इंकर होने वाला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्प करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, वेरिएबल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट, फिक्स्ड ओवरहेड्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, मटेरियल डिपार्टमेंट से अपने को पता चला कि कितना कॉस्ट होने वाला है। इससे अपने को पता चलेगा कि भाई क्या डिसीजन लेना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं अपने को लग रहा है ओवरऑल एक साल में कम होने वाला है, सो वी विल आस्क द सेल्स टीम टू द परचेज एंड द मटीरियल, ये सब जो भी कॉस्ट वाली टीम है उनको अपना कॉस्ट रिड्यूस करने को कहेंगे सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर नेट प्रॉफिट। सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए भी यूज होता है। वंस द सेल्स टीम गेट्स द डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट टीम के भाई कितना वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना लगने वाला है, उस बेसिस पे वो अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। सो जो मेन चार ऑब्जेक्टिव है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वी कैन डू इट लेटर ऑन, मतलब मैं बोलता हूँ लास्ट में जब पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं इसके ऊपर आऊंगा और आपको पूछूंगा भाई कुछ एडवांटेजेस लगा क्या, कुछ डिसएडवांटेज भी लगा रहेगा, एंड योर आंसर विल बी दिस इटसेल्फ। अब आते हैं अपन लोग स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका इन्वेस्टिगेशन। तो भाई ईयर स्टार्ट पे सब टीम्स ने अपना अपना प्रोजेक्शन दे दिया है मुकेश भाई को, अब ईयर एंड पे मुकेश भाई एक एक का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ सेल्स क्वांटिटी टीम 1 लाख यूनिट्स बेचने वाला है, तू बोला था 50,000 यूनिट ही बेचा, क्यों भाई तेरा एडवर्स वेरियंस है। सो क्या कर रहे हैं वो, इन्वेस्टिगेटिंग द वैरायंसेस के भाई एक एक चीज का वो वैरायंस देख रहे हैं कि 50,000 यूनिट, आपने 1 लाख यूनिट्स बोला था सेल करोगे बट खाली 50,000 यूनिट्स ही सेल कर पाए हो, तो 50,000 यूनिट्स आप क्यों नहीं सेल कर पाए हो, रीजन बताओ, क्या ओवरऑल मार्केट साइज ही कम हो गया उसकी वजह से इशू है, या फिर कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था कि कस्टमर्स ने खरीदा नहीं। ऑल ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन इज डन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर इन्वेस्टिगेशन करके आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, जैसा मैंने बोला कि क्वालिटी का इश्यूज है क्या, एंड देन फिर अगर क्वालिटी इश्यूज है तो नेक्स्ट ईयर में यू कैन टेक करेक्टिव एक्शन और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे एंड वी विल रीच टू आर डिजायर्ड प्रॉफिट। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है, क्या हो रही है, एक तो आइडेंटिफाई करो कि इन्वेस्टिगेट करो कि क्या रीजन है वराइंस का, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले लो। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर जो अपन लोग को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैरायंसेस। वैरायंसेस मतलब आपने जो बजट या स्टैंडर्ड सेट किया था
एंड उसको जब आप कंपेयर करते हो एक्चुअल्स के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ वैरियंस, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव वैरियंस हुआ देन इट इज फेवरेबल, नेगेटिव हुआ देन इट इज एडवर्स. मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि आप समझो अभी कॉस्टिंग का रिवीजन लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको मन में लग रहा होगा कि यस यार कैसे भी करके मेरे को कॉस्टिंग में 70-75+ लाना है, और अगर आपको एग्जाम में 85 आ गए देन इन दैट केस इट इज अ पॉजिटिव वैरियंस ऑफ 10 मार्क्स. वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने सोचा 70-75 लाएंगे बट 65 ही आए, तो सकता है 10 मार्क्स का नेगेटिव वैरियंस आ जाए. दोनों को आपको एनालाइज करना है एंड यू हैव टू इंप्रूव इन द फ्यूचर. सीए बन गए तो जरूरत नहीं है, पर अगर नहीं बने देन इन दैट केस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप आपकी पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हो. सो वैरियंस क्या है? कॉस्ट, अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कंट्रोल, व्हेरबाय स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड एंड कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट. सो ये जो कंपैरिजन है उसको कहते हैं वैरियंसेस. अब यूजुअली एक बिजनेस सेटअप में तीन मेजर वैरियंसेस होते हैं. एक होता है वैरियंस रिलेटेड टू एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल मेरे फैक्ट्री में बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं, तो उनको मैंने बोला भाई ये पेन बनाने का, ये पेन बनाने के लिए तुम्हारे को एक पेन बनाने के लिए 10 घंटा लगना चाहिए. अब पूरे साल में उन्होंने 1 लाख पेन बनाए, तो उस हिसाब से 1 लाख × 10 आवर्स, तो 10 लाख आवर्स में काम हो जाना चाहिए था, बट समझो उन्होंने 12 लाख आवर्स लिया है, देन इन दैट केस कैन आई से दे आर इनएफिशिएंट. भाई 10 लाख घंटे की चीज को 12 लाख घंटे में किया, क्यों भाई? इनएफिशियंट हो आप. या हो सकता है कि 9 लाख आवर्स में हो जाए तो आप एफिशियंट हो. सो ये जो एफिशिएंसी होती है आवर्स में आप चेक करते हो, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए, लेबर ओवरहेड्स के लिए, लेबर वेरियंसेस के लिए, दैट हाउ एफिशिएंटली इज योर टीम वर्किंग. दिस कैन ऑल्सो बी फॉर मटीरियल्स, क्योंकि भाई हो सकता है एक यूनिट बनाने के लिए 10 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटीरियल चाहिए, आपने 11 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटीरियल कंज्यूम कर लिया, मतलब अगेन आप इनएफिशियंट हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्शन प्रोसेस. तो उसको कहते हैं वेरियंस ऑफ एफिशियंसी. दूसरा आता है वेरियंस ऑफ रेट या प्राइसेस. तो परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर मैनेजर, ये सब जो रेट डिसाइड करते हैं ना वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर ने बोला कि भाई मैं ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल 10 रुपीज में लेकर आऊंगा, बट वो 12 रुपीज में लेकर आ रहा है, देन इन दैट केस इट इज अ एडवर्स. तो रेट वो जो उसने बोला था उससे ज्यादा या कम जिसमें भी लेकर आ रहा है, दैट विल गिव राइज टू अ वैरियंस. एंड लास्ट वैरियंस रिलेटेड टू वॉल्यूम. सो अगेन सेल्स, आपने सोचा था कि आप 1 लाख यूनिट सेल करने वाले हो, बट हो सकता है आपने 1,50,000 यूनिट सेल कर दिया, तो कैन आई से वॉल्यूम हैज बिकम बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड. सो ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स आर मेजरली टू बी अपने को एनालिसिस करना रहेगा, एफिशिएंसी का, प्राइस या रेट का, वॉल्यूम का. और रीड करते हैं, वैरियंसेस ड्यू टू इफेक्टिव और इन इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल क्वांटिटी, लेबर आर, वंस एक्चुअल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. फिर है वैरियंस ऑफ प्राइस रेट्स. वैरियंस अराइज ड्यू टू चेंज इन यूनिट मटेरियल प्राइसेस, स्टैंडर्ड लेबर आर रेट्स. तो ये सब भी आपका आएगा एनालिसिस. एंड वैरियंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी अज्यूम्ड व्हेन स्टैंडर्ड वाज सेट. सो हो सकता है कि आपका सेल्स बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसी हिसाब से मटेरियल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा ना. तो वो सब एनालिसिस करके अपन डिसीजन लेंगे कि वेदर वी हैव डन गुड और बैड, एंड उसी का तो नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है. बस इसमें दो तरह की चीजें ध्यान में रखनी है, एक होता है कंट्रोलेबल वैरियंस एंड एक होता है अनकंट्रोलेबल वैरियंस. इसको और डिटेल में आगे अपन पढ़ेंगे जब प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वैरियंस अपने को करना है. सो कंट्रोलेबल वैरियंस मतलब जो मैनेजर कोई काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उसके कंट्रोल में. फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे को पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए. अब प्लास्टिक का रेट मार्केट में डाउन हो गया है, ठीक है ना, तो मैंने जो बजट किया था उससे प्लास्टिक का रेट मार्केट में डाउन हो गया है, तो आइडियली मेरे को जाके इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए ना, क्योंकि ओवरऑल प्लास्टिक का प्राइस डाउन हो गया है जो मैंने सोचा था उससे. बट अगर तभी मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं खरीदा, और फिर बाद में प्राइस बढ़ गया, देन इन दैट केस कैन आई से ये मेरी गलती है, मैं एज अ मैनेजर मेरे कंट्रोल में था कि मैं उसको कम प्राइस पे खरीद लूं, बट मैं नहीं खरीद पाया, तभी मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड उसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ गया है, एडवर्स वेरिएंस आया, तो इट इज माय मिस्टेक. बट फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबली कोई इशू हो गया है, से फॉर एग्जांपल मैं क्रूड ऑयल मेरे को परचेज करना है, अब मैंने जब स्टैंडर्ड सेट किया था तब 100 रुपीज का क्रूड ऑयल था, बट आज 500 रुपीज हो गया क्रूड ऑयल का. क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई अफेक्ट हो गया है, हो सकता है ग्लोबली कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया है, कुछ भी हो सकता है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. अब अगर ग्लोबल डिमांड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ग्लोबल टेररिस्ट अटैक या ग्लोबल इंडिया चाइना पाकिस्तान अमेरिका का कोई इशू चालू है, तो उसमें मैं छोटा सा मैनेजर क्या करूंगा सर? तो वो मेरे हाथ में नहीं है. दैट बिकम्स अ अनकंट्रोलेबल वैरियंसेस. सो
price variance becomes controllable if production controller has failed to place orders in time and urgent purchase was made at a extra cost. And agar price variance is regarded as uncontrollable if price increase is due to market fluctuation. So ये एक basic मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सबसे पहले objective क्या था, standard costing में करना क्या है आपको, आपको find investigate करना है क्या problem है, उसके लिए corrective action लेना है. फिर तीन आपको variances ढूंढने होते हैं majorly, एक होता है efficiency related, एक volume related और तीसरा होता है rate related. बाकी controllable and uncontrollable variance क्या होता है आप लोगों को idea आ गया है. अब आ रहे अपन लोग मेन एनालिसिस के ऊपर एंड वो है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. देखो बॉस, एंड ऑफ द डे जब शेयर होल्डर के साथ मीटिंग हुआ था ना एजीएम में, तब मुकेश भाई ने क्या बोला था, नेक्स्ट ईयर अपना प्रॉफिट होगा 150 करोड़. अब ये 150 करोड़ एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, या 150 का 175 हो गया है, 150 का 125 हो गया है, वो एनालिसिस करने की प्रथा को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो आप किसको एनालाइज कर रहे हो, आप प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हो, बट प्रॉफिट खुद से कुछ नहीं है, प्रॉफिट इज व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट. तो अब ये प्रॉफिट को आप ब्रेक करोगे इनटू सेल्स माइनस कॉस्ट. कॉस्ट में चार कॉम्पोनेंट है, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. सेल्स में दो कंपोनेंट, सेल्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, सेल्स बेस्ड ऑन मार्जिन. जब आप इन सब डिपार्टमेंट्स को, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को इंडिविजुअल लेवल पे एनालाइज करोगे, दैट टाइम यू विल गेट वैरायंसेस जो अल्टीमेटली क्यूमुलेट होके बन जाएंगे प्रॉफिट वैरायंस. तो आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वैरायंस. आप मुकेश अंबानी हो, यू आर द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, आप प्रॉफिट वैरायंस कैलकुलेट कर रहे हो. बट प्रॉफिट वैरायंस आएगा कैसे, बाय एनालाइजिंग सेल्स माइनस कॉस्ट वैरायंसेस. सेल्स में दो पार्ट होंगे, टर्नओवर एंड मार्जिन. कॉस्ट में चार पार्ट होंगे, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड. आओ एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं. पहले कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू सेल्स वैरायंसेस. सो आई होप ये एक बैकड्रॉप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा. तो पहला वैरायंस है मेरा मटीरियल वैरायंस, राइट. मटीरियल वैरायंस के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है परचेज मैनेजर, दूसरा होता है प्रोडक्शन मैनेजर. सो एक होता है मेरा मटीरियल प्राइस वैरायंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, वो परचेज मैनेजर. एंड जो प्रोडक्शन मटीरियल यूसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है प्रोडक्शन मैनेजर. अब समझो फॉर एग्जांपल आपको मैजिक बुक बनाना है या कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, देन इन दैट केस कैन आई से मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा. अगर मेरे को कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फॉर एग्जांपल मैजिक बुक. अब मैजिक बुक को बनाने के लिए समझो मेरे को दो रॉ मटेरियल चाहिए, तो भाई एक मैजिक बुक कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेगा वो तो मुझे पता होना चाहिए ना. वो मुझे कौन बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर. से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा, सुन संकल्प, मैजिक बुक बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए चाहिए, रॉ मटेरियल बी चाहिए. रॉ मटेरियल ए अपने को लगेगा 10 रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल बी अपने को लगेगा 20 रॉ मटेरियल एक मैजिक बुक बनाने के लिए, ठीक है. तो ये किसका काम हुआ कि कितना कंज्यूम होने वाला है, कितना कंजम्पशन होने वाला है, आउटपुट बनाने के लिए कितना इनपुट चाहिए, ये कौन बता रहा है. आउटपुट बनाने के लिए कितना इनपुट चाहिए, कौन बता रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर. एंड हेंस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजेज, या जिसको आप कंजम्पशन बोलते हो. एट द सेम टाइम अब प्रोडक्शन का काम इंटरनली फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, तो रॉ मटेरियल लाएगा कौन, कैन आई से ये 10 रॉ मटेरियल, ये 20 रॉ मटेरियल लाने के लिए अपने को किसी को भेजना पड़ेगा, वो होगा मेरा परचेज मैनेजर. परचेज मैनेजर को पूछूंगा, बॉस ए वाला रॉ मटेरियल कितने में आएगा, वो बोलेगा सर एक रॉ मटेरियल 5 रुपए में. बी वाला रॉ मटेरियल कितना आएगा, सर एक रॉ मटेरियल 10 रुपए में. कैन आई से इससे मुझे एक बजट मिल जाएगा, कैन आई से ये मेरा एक काइंड ऑफ अ बजट रेडी हो जाएगा कि बॉस एक यूनिट बनाने के लिए दिस इज हाउ द सिस्टम लुक्स. एक यूनिट बनाने के लिए ए 10 यूनिट, बी 20 यूनिट, रेट दिया है 5 का 10 का, ओके एक यूनिट बनाने के लिए आ गया आइडिया. अब मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन जैसा आप मेरे एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने किया 500 यूनिट्स का. तो कैन आई से क्या मैं ये एक यूनिट जो मैंने ओरिजिनली बनाया था और अब जो 500 यूनिट्स बनाया, क्या ये दोनों कंपेरेबल है क्या. द आंसर इज नो. कंपेरेबल वो कब होंगे, जब मेरा स्टैंडर्ड एक्चुअल पे आ जाए, जब मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल रेडी हो जाए. मतलब कि मैं एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था. तो भाई मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 500 यूनिट्स का, तो स्टैंडर्ड एट एक्चुअल 500 यूनिट्स के लिए कितना आ जाएगा, कैन आई से
एक यूनिट के लिए 10 क्वांटिटी, तो 500 यूनिट्स के लिए कैन आई से 5000 रॉ मटेरियल की इधर मेरे को जरूरत लगेगी, 10,000 रॉ मटेरियल की इधर मेरे को जरूरत लगेगी, एंड दिस इज हाउ मेरा स्टैंडर्ड एट एक्चुअल बन जाएगा, एंड एक्चुअल बन जाएगा। अब मेरे को इसका कंपैरिजन स्टार्ट करना है। तुम इंडिया का कोई भी क्वेश्चन ले लो इंडियन बुक्स का, सो आपको पता चलेगा कि दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू फॉलो। तो आपको क्वांटिटी, रेट, अमाउंट या तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वन यूनिट का दिया होगा, आपको उसको रीस्टेट करना है एक्चुअल्स के साथ और फिर कंपेयर करना है। तो कंपेयर किस किस का हो रहा है, कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, स्टैंडर्ड एट एक्चुअल का कंपैरिजन हो रहा है एक्चुअल के साथ। अब कैन आई से ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किया वो दोनों कंपेरेबल है? यस सर, वो दोनों कंपेरेबल है। अब सबसे पहले अपन लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे मटीरियल कॉस्ट वराइंस। मटीरियल कॉस्ट वराइंस क्या होगा भाई, टोटल मेरा मटीरियल का कितना कॉस्ट लगना चाहिए था एंड एक्चुअल में मेरा कितना मटीरियल का कॉस्ट लगा है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलो इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं एनालिसिस करूं, तो कैन आई से मटीरियल ए मेरे को 5000 रॉ मटीरियल कंज्यूम करना चाहिए था 500 आउटपुट बनाने के लिए, एक यूनिट के लिए मैं 5 रुपया देना चाहिए था, सो कैन आई से 25,000 रुपीज आई शुड हैव पेड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ ए एंड मैंने एक्चुअल में पे कितना किया 24,000, तो कैन आई से कम पे किया है, तो कम खर्चा हुआ है तो मेरे लिए फेवरेबल हुआ। अब इसको अगर मेरे को फॉर्मूला टर्म्स में लिखना है तो कैन आई से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, कैन आई से स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने सोचा था इनटू स्टैंडर्ड रेट जो मेरे को स्टैंडर्ड अमाउंट मिला, इसको मैं कंपेयर करूंगा माइनस कैन आई से एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट एंड यहां पे मेरे को एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा एंड 25,000 एंड 24,000 को वी विल बी एबल टू कंपेयर। ए समझी गुडू, आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो यहां पे अगर मेरे को फॉर्मूला टर्म्स में लिखना है तो कैन आई से स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का कंपेरिजन हो रहा है, बट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट होता क्या है, कैन आई से इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होता क्या है, कैन आई से इट इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, आर वी क्लियर? बट अब सबसे इंपॉर्टेंट हाई लेवल चीज मैं आपको बता रहा हूं, है सिंपल बट ध्यान से सुनना। जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हो ना तो हमेशा आज के बाद लिखना स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट, किसके लिए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। भाई खाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ये भी हो सकता है ना भाई, 10 भी तो एंड ऑफ द डे, ये जो इधर 10 लिखा है वो भी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बट क्या मैं ये 10 को ये 6000 से कंपेयर कर सकता हूं क्या? नो सर, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसके लिए चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज हुआ है उसको आपको कंपेयर करना है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट से। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं यहां पे क्या टर्मिनोलॉजी लिखूंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है इसके भी अपनी लैंग्वेज में, बट थोड़ा एक रिफाइंड एक एडवांस वे में अपन लिखे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट किसके लिए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो ये 5000 रॉ मटेरियल क्या है, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट बट एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का प्रोडक्शन सेम रखना पड़ेगा, आउटपुट सेम रखना पड़ेगा ताकि अपन इनपुट को कंपेयर कर पाए। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना, सो दैट लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स में काम एकदम इजी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, बस आउटपुट को अपन कंपेरेबल बना रहे हैं सो दैट इनपुट को कंपेयर कर सके। देखो अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट को, आउटपुट 500 यूनिट्स है, आउटपुट को अपन कंपेरेबल बना रहे हैं सो दैट मैं मेरे इनपुट्स को, सो दैट मैं मेरे इनपुट्स को कंपेयर कर सकूं। सो क्या क्या लिखा है यहां पे मैंने, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। तो एक इनपुट के लिए क्या स्टैंडर्ड रेट लग रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैन आई से आई विल गेट द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, कंपेयर करेंगे उसको एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के साथ विच इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हो गया मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको दो प्लाट में अपन लोग ने स्प्लिट किया, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, ये मेरे परचेज मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो परचेज मैनेजर गोज आउटसाइड द फैक्ट्री, इसके लिए कभी भी उसका कंपैरिजन एक्चुअल्स के साथ होता है। देखो अब परचेज मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेट के लिए, तो उसने क्या स्टैंडर्ड रेट सोचा था और एक्चुअल में वो कितने में लेकर आया उसका कंपैरिजन है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटसाइड द मार्केट, तो वो एक्चुअल कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, यहां पे वो
मटेरियल प्राइस वेरिएंस को रिफ्लेक्ट करेगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टैंडर्ड रेट जो उसने बोला था अपने को इतने में लेकर आएगा, माइनस एक्चुअल रेट इतने में वो लेकर आया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना क्वांटिटी वो लेकर आया, उससे मुझे मॉनिटरीली पता चलेगा। तो उसने बोला था 10 रुपए में लेकर आऊंगा सर, और एक्चुअल में भाई साहब 5 रुपए में लाने वाला था, 4 रुपए में लाया, वेरी गुड, 1 रुपए में 1 रुपए कम में लाया, कितना क्वांटिटी लाया भाई साहब, 6000 यूनिट्स। सर क्यों एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर किया, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई इसके लिए किया, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटसाइड द फैक्ट्री, उसको लेकर आना है प्रोडक्ट, तो वो एक्चुअलिटीज के साथ कनेक्टेड है। ये जब मैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, इट विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, क्योंकि दोनों का कंजम्पशन भाई प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मटीरियल यूसेज कितना हुआ है, दोनों का चेक करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू यहां पर मैं क्या करूंगा स्टैंडर्ड रेट, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑलवेज विद इन द फैक्ट्री, नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअलिटीज, उसको अपन से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई होप वी आर क्लियर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अपन रिफाइंड वे में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू एक्चुअल रेट। आई होप वी आर क्लियर। उसको सब डिवाइड किया मटेरियल रेट वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस में। मटेरियल रेट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। भाई कितना क्वांटिटी बोला था तू, तू बोला था सर 10,000 रॉ मटेरियल में मैं 500 यूनिट्स बना दूंगा, बट भाई तूने तो खाली 8,000 में बना दिया है, वेरी गुड फेवरेबल, तूने कम उसमें बना दिया है, इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 10, सो 20,000 इधर मेरा फेवरेबल हो जाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मटेरियल रेट वेरिएंस परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। अब फॉर्मूला क्या बोला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। आर वी क्लियर। अब ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, कैन आई से इसको मैं और दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, कैन आई से ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है इसको मैं और दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्या, एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दूसरा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक है दूसरा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, कभी आपसे गलती नहीं। देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है, कैन आई से इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, अपन सबको ये पता है। अब एक नंबर है, एक खाली ये है, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी ऐड करना है, स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी रिड्यूस करना है, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन में सेम नंबर ऐड और लेस करो तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझो 9-7 इज इक्वल टू 2 है, तो 9-8+8-7 वो भी इज इक्वल टू 2 ही रहेगा भाई, -8+8 करके एंड ऑफ द डे तो कैंसिल ही हो गया। आपको क्या करना है, बस ये प्लस एसएमक्यू माइनस एसएमक्यू इसके नीचे लिख देना है। अब देखो उसका इंपैक्ट क्या आता है, तो मैं इधर उल्टा लिख देता हूं, यहां पे माइनस एसएमक्यू प्लस एसएमक्यू आपको लिख देना है। तो अब क्या उसका इंपैक्ट होगा, देखो कैन आई से एक आपका इधर बन जाएगा एसक्यू माइनस एसएमक्यू प्लस एस एम क्यू माइनस ए क्यू, बीच में आपको यहां पे कहां पे बीच में इंसर्ट करना है, यहां पे आपको उसको इंसर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। आर वी क्लियर। अब बन गया आपका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये आपका बन जाएगा एक फॉर्मूला, एंड स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये बन जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला। बट सर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्या वो बता दो। चलो आओ बताता हूं मैं। अपन मटेरियल यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, दूसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस क्या होता है आपको पता है, यील्ड वेरिएंस का मतलब व्हेन टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट, मतलब स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड टोटल ऑफ एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट। वापस से रिपीट करता हूं, यील्ड वेरिएंस कब आता है, जब स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट कितना है, स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट सर अपने एग्जांपल में स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट है 15,000, स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू, तो यहां पे स्टैंडर्ड एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट कितना है, तो स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट
इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट. जब यह सिचुएशन हो ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या आता है, मटीरियल यील्ड वेरिएंस. सो एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट कैन आई से 14,000 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. मतलब कैन आई से यील्ड वेरिएंस आएगा? यस सर. कई बार अपने को ये भी नहीं पता होता है यील्ड वेरिएंस आता कब है. सो मटीरियल यील्ड वेरिएंस, ये इसको प्यार से मटीरियल सब यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं. सो मटीरियल यील्ड या मटीरियल सब यूसेज वेरिएंस कब आएगा? व्हेन स्टैंडर्ड टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल टोटल ऑफ इनपुट. जब ये दोनों इक्वल नहीं है, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या मिल जाएगा अपने को? मटेरियल यील्ड या सब यूसेज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला अभी अपन लोग ने डिराइव किया. कैसे? एसक्यू माइनस एक्यू में माइनस एसएमक्यू किया, प्लस एसएमक्यू किया, तो एसक्यू माइनस एसएमक्यू मेरा एक फॉर्मूला बन गया यील्ड का. ठीक है, अब यहां पर ना कंपेयर करो एसक्यू और एसएमक्यू. अब आपके दिमाग में आएगा एसएमक्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो अब मैं आपको बताता हूं फटाफट एसएमक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो. टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो. अपने एग्जांपल पे आएंगे अपन, डोंट वरी. So, can I say कि बॉस यहां पे मेरा yield variance समझ में आ गया मेरे को? यस सर. अब आता है mix variance. सर mix variance कब आता है वो तो आपने बताया ही नहीं. yield variance तो समझ गया. mix variance जब आएगा, जब अगर मेरा ratio of input of standard is not equal to ratio of input of actual. क्या बोला? ratio of इनपुट किसका? स्टैंडर्ड का. इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ एक्चुअल. अब इधर देखो जरा, इन दोनों का इनपुट क्या है? कैन आई से इन दोनों का इनपुट रेशियो है 1:2. भाई स्टैंडर्ड रेशियो कितना है इन दोनों का? 1:2 का. एंड एक्चुअल का इनपुट रेशियो कितना है? 6,000:8,000. मतलब कैन आई से 3:4. सो भाई जो भी हो 1:2 तो नहीं है. तो कैन आई से अगर रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ एक्चुअल, तो वो क्या हो जाता है? कैन आई से इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स वेरिएंस. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो यील्ड वेरिएंस कब आएगा? टोटल ऑफ इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ इनपुट ऑफ एक्चुअल. एंड रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड और रेशियो ऑफ एक्चुअल इक्वल नहीं हुआ तो क्या आएगा? इट विल गिव अस मिक्स वेरिएंस. आई होप वी आर क्लियर. अब यहां पे आ जाओ, एक लास्ट चीज जो अपने को देखनी है वो है SMQ कैसे कैलकुलेट करता है. तो उसके लिए मैंने बोला है टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट. टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट कितना है? कैन आई से टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट है सर 14,000 इन स्टैंडर्ड रेशियो. देखो A:B जो मेरे इनपुट्स है उसका रेशियो क्या है? कैन आई से 1:2 का रेशियो है सर. कैन आई से 1:2 का रेशियो है. सो 14,000 को जब मैं 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता हूं तो 14,000 डिवाइड बाय 3, कैन आई से 4667 मल्टीप्लाई बाय 2, सो कैन आई से 9333. जब मैं ये करता हूं ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे को क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी. अगर एकदम डिटेल में देखना है तो मेरे डिटेल वीडियोस देख लेना, वहां पे मिल जाएगा. फॉर नाउ आई होप यू आर क्लियर. सो देखो क्या करना है अपने को यहां पे. देखो मैंने ऐसे इसको हाईलाइट किया है. यहां पे जो भी एक्चुअल का टोटल है वो मैं इधर लिख दूंगा और रेशियो में डिवाइड कर दूंगा. कौन से रेशियो में? स्टैंडर्ड के रेशियो में, विच इज 1:2. सो मैंने क्या किया, एक्चुअल जो इनपुट था उसका टोटल लेके एसएमक्यू में लिख दिया और 1:2 ए और बी को डिवाइड कर दिया, तो मेरे को एसएमक्यू भी आ गया. अब आ जाओ मेरे फॉर्मूला के ऊपर. मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो है पार्ट, क्या? यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस. यील्ड वेरिएंस कब आता है? जब टोटल ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ इनपुट. तो दोनों का, एक्चुअल का इनपुट और स्टैंडर्ड का इनपुट सेम नहीं है, तब कैन आई से मेरा क्या आता है? यील्ड वेरिएंस आता है. तो एसक्यू माइनस एसएमक्यू, तो यहां पे देखो कैन आई से इन दोनों का टोटल सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? यील्ड वेरिएंस. याद रखने के लिए कैसे याद रखना है? देखो याद रखने के लिए अपन बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज एसक्यू माइनस एक्यू इनटू एसआर. बीच में क्या इंसर्ट करना है? प्लस एसएमक्यू माइनस एसएमक्यू, बराबर है? तो अपन बीच में क्या इंसर्ट कर देंगे? माइनस एसएमक्यू
प्लस एस एम क्यू इंसर्ट कर सकते हैं, माइनस ए क्यू इंटू एस आर, कहना है इसे इसको जब मैं स्प्लिट कर देता हूं, देखो ये एस आर जो स्टैंडर्ड रेट है वो तो पूरे ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जब मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं एस क्यू माइनस एस एम क्यू इन टू स्टैंडर्ड रेट, ये बन जाता है मेरा मटीरियल, सॉरी ये बन जाता है मेरा मटीरियल यील्ड वेरिएंस। एंड जब मैं यहाँ पे एस एम क्यू और ए क्यू को स्प्लिट कर देता हूं तो ये बन जाता है मेरा एस एम क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, कहना इसे ये बन जाता है मेरा मिक्स वेरिएंस। ए आर यू क्लियर एवरीबॉडी? सो ये इसी के साथ मेरा पूरा मटेरियल हो गया, और मैं आपको बोलता हूँ मटेरियल एक बार हो गया ना, लेबर और बाकी सब फटाफट होते जाएंगे। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस डेरिवेशन। सो मटेरियल यूसेज यील्ड और मिक्स में सब डिवाइड हो गया। अब देखो यील्ड का मतलब क्या होता है, कहना इसे टोटल मैच नहीं हो रहा है, ये देखो इन दोनों का टोटल मैच नहीं हो रहा है। एंड कहना इसे मिक्स कब होता है, जब रेशियो सेम नहीं होता है, ये देखो इधर मेरे इन दोनों का रेशियो सेम नहीं हो रहा है, एस एम क्यू और ए क्यू का, देखो इधर मेरा जरा रेशियो 1:2 और 3:4 है, तो जब रेशियो सेम नहीं होता है या रेशियो मैच नहीं होता है तो कहना इसे मिक्स वेरिएंस बनता है। तो एस एम क्यू और ए क्यू का, एस एम क्यू और ए क्यू का रेशियो मैच नहीं हो रहा है, क्या बन गया मिक्स वेरिएंस। एंड 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 यहाँ पे एस एम क्यू और एस क्यू और एस एम क्यू का टोटल यील्ड मैच नहीं हो रहा है, देखो वो लोग का रेशियो मैच हो रहा है, टोटल यील्ड मैच नहीं हो रहा है, चलो भाई ये बन गया यील्ड रेशियो। आओ फटाफट इधर मैजिक बुक में अपन फॉर्मूला के साथ देख लेते हैं। तो देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस तक तो हो गया अपना, अब मैंने आपको क्या किया, माइनस एस एम क्यू प्लस एस एम क्यू डालना है, एस क्यू माइनस एस एम क्यू इंटू एस आर बन जाता है मेरा यूसेज या सब यूसेज वेरिएंस, एंड एस एम क्यू माइनस ए क्यू बन जाता है मेरा मिक्स वेरिएंस। सो एस क्यू माइनस एस एम क्यू इंटू एस आर, एस एम क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, और स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी क्या होता है, टोटल ऑफ एक्चुअल इन स्टैंडर्ड रेशियो, टोटल ऑफ एक्चुअल इन स्टैंडर्ड रेशियो। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। अब ये फॉर्मूला फटाफट गो थ्रू कर लो, चाहिए तो मेरा वापस से लास्ट 20 मिनट्स रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा दिमाग में तुम लोग के सेट हो जाएगा, ये नोट्स तुम लोग के साथ शेयर है ही, यू कैन यूज इट टू द बेस्ट बेनिफिट, एंड आपका मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा क्लियर। अच्छा बस एक चीज ध्यान में रखना, फेवरेबल कब होगा, जब मैंने कम मटेरियल यूज किया, मैंने सोचा था 10,000 रॉ मटेरियल यूज करूंगा, बट अगर मैंने 8,000 रॉ मटेरियल यूज किया मतलब कम खर्चा होगा, मतलब जब मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल 10,000 है और एक्चुअल मैंने खाली 8,000 किया, मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल इज मोर देन एक्चुअल मटेरियल, हाँ तो फिर मेरा फेवरेबल वेरिएंस आएगा। अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल लिखते हैं तो अपन कहना इसे ए 5,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए था, बट एक्चुअल में अपन ने 6,000 कंज्यूम किया है, मतलब 1,000 मैंने एक्स्ट्रा किया है, इट इज एडवर्स। वही अगर मैं बी की बात करूं तो 10,000 कंज्यूम करना चाहिए था, मैंने 8,000 ही किया है, दैट विल बिकम फेवरेबल। सो वो चीज इधर मैंने लिख लिया, आप खाली एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। ये एस एम क्यू कर देना इसको, सो ये इस हिसाब से आपके फेवरेबल एडवर्स भी हो गए, जितने भी फॉर्मूलास थे आ गए, एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दे दिया, सो दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है ना। क्विक रिवीजन सेशन, ऑब्वियसली आपको लिबर्टी देना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके डिटेल लेक्चर्स भी जो मेरे यूट्यूब पे डाले वो भी डाल दूंगा, इनकेस आपको कुछ कंफ्यूजन हो या क्लैरिटी लेना हो यू कैन विजिट दैट एज वेल। सो इसके साथ कंप्लीट होता है मेरा क्या मटीरियल वेरिएंसेस। चलो नेक्स्ट है मेरा लेबर वेरिएंस, मैं बोल रहा हूं आपको लेबर वेरिएंस भी एज इट इज है, देखना सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, उसके अलावा इट इज रिमेनिंग एज इट इज। तो देखो पर मटेरियल में क्या था, प्रोडक्शन मैनेजर था, परचेज मैनेजर, वैसे ही यहाँ पे भी है, एक है अपना एचआर मैनेजर जो रेट डिसाइड करता है, आप कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे ना तो वो डिसाइड करेगा आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए, तो क्या डिसाइड कर रहा है वो कि कितने लेबरर को कितना रेट मिलना चाहिए। एंड दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस, जो अपने को पता चलेगा जिससे कि भाई कितना एफिशिएंटली वो लेबरर काम कर रहा है, मतलब उसको कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना आवर्स दिया था एंड उसने वो पर्टिकुलर काम कितने टाइम में कंप्लीट किया है, उससे पता चलता है उसका एफिशिएंसी। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है यहाँ पे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है जो अपना मटेरियल यूसेज वेरिएंस जैसा था, लेबर रेट वेरिएंस है जो मटेरियल रेट या मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसा था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को सब डिवाइड किया है लेबर सब एफिशिएंसी एंड लेबर मिक्स वेरिएंस में, जैसा अपना मटेरियल यूसेज को मटेरियल सब यूसेज एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस में सब डिवाइड किया था, एक समझ गए। तो अब एडिशनल क्या है इसमें सर, जो अपने को पढ़ना है वो है आइडियल टाइम वेरिएंस, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट उसके पहले बाकी सब फटाफट कर लेते हैं।
सो एग्जाम्पल मेरा सेम एज इट इज, मैंने यहाँ पे भी लेबर का भी रखा है, तो से अभी अगर मेरे को मैजिक बुक परचेज करना, आई मीन मैजिक बुक प्रोड्यूस करना है, तो कहना इसे उसके लिए मेरे को लेबरर का भी जरूरत लगेगा। तो मैंने कॉल किया मेरे लेबरर मैनेजर को, और मैंने लेबर मैनेजर को बोला कि लेबर मैनेजर अपने को मैजिक बुक बनाने का है। तो लेबर मैनेजर ने बोला कि सर दो टाइप के लेबरर की जरूरत पड़ेगी, एक सेमी स्किल्ड और एक स्किल्ड। जो स्किल्ड वाला है ना, वो एक मैजिक बुक बनाने के लिए 10 आवर्स लेगा, और जो सेमी स्किल्ड वाला है वो एक मैजिक बुक बनाने के लिए 20 आवर्स लेगा। तो आप सर मंगवा लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब लेबर मैनेजर उनसे काम करवाएगा, लेबर मैनेजर हमारे स्किल्ड मैनेजर, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर से काम करवाएगा, बट उनको मार्केट से लेकर आने की जिम्मेवारी किसकी है? वो जिम्मेवारी है हमारे एचआर मैनेजर की। एचआर मार्केट में जाएगा और बोलेगा, ए भाई चल कितने में आएगा तू? तो एचआर मैनेजर को स्किल लेबर बोलते हैं 5 पर आवर में आएगा मैं, और सेमी स्किल बोलते हैं मैं 10 पर आवर में आएगा। समझे क्या? इससे मुझे पता चलेगा कि भाई टोटल लेबर कॉस्ट कितना वो लगने वाला है। हैव यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई से एज इट इज, जो अपन लोग ने मटेरियल में पढ़ा था वही है। सो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। क्या बोला? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। अभी क्लियर? एकदम सिंपल है सर, नो प्रॉब्लम। बट याद रखना, वहां पे अपन ने क्या बोला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है एक यूनिट का, बट एक यूनिट यहाँ पे और 500 यूनिट कंपेरेबल है क्या? नहीं सर, कंपेरेबल नहीं है। सो कंपेरेबल कब बनेगा? जब मेरा स्टैंडर्ड एट एक्चुअल आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एट एक्चुअल में जो ये आवर्स दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? इट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इट इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, समझो गुरु। एंड यहां पे कंपेयर किसके साथ होगा? ये कंपेयर होगा एक्चुअल आवर्स के साथ। तो एवरीबॉडी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स से अपने को पता चल जाएगा क्या कि भाई कितना वेरिएंस है। अपन ने कितना टाइम दिया था एक यूनिट बनाने के लिए? कितना स्टैंडर्ड आवर्स दिया था? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन को सेम किया, इनपुट जो स्टैंडर्ड आवर्स है, एक्चुअल आवर्स है, इनपुट क्या है? आवर्स है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। कैसे? आउटपुट को सेम रख के इनपुट को कंपेयर कर रहे हैं अपन। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। कहानी को और आगे बढ़ाएंगे अपन। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट किया, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट किया, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। इसको सब डिवाइड किया अपन लोग ने दो पार्ट में। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लेबर रेट वेरिएंस, और दूसरा होता है मेरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, करेक्ट, लेबर का जो रेट था, तो स्टैंडर्ड रेट जो अपने लेबर को अपने को देना था, तो पर लेबर रेट, पर लेबर आर माइनस एक्चुअल, अपन ने उसको कितना रेट दिया है, इनटू वहां पे क्या था एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे क्या आएगा, इनटू एक्चुअल आवर्स। अभी क्लियर? इन द सेम वे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी मतलब कितना आवर्स लगना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ध्यान रखना, दिस इज, ये क्या है पता है? दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स से कंपेयर करना है ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही आप एक्चुअल आवर्स से कंपेयर कर पाओगे, ओनली देन दे बिकम कंपेरेबल। एक समझो गुरु। अब माइनस अपन करेंगे इसको एक्चुअल आवर्स के साथ, इनटू ये क्या आ जाएगा अपना स्टैंडर्ड रेट। कैन आई से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को अपन सब डिवाइड कर सकते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को अपन सब डिवाइड कर सकते हैं। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को अपन कैसे सब डिवाइड करेंगे? लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस लिखेंगे एंड लेबर मिक्स वेरिएंस लिखेंगे, सेम जो अपन ने लास्ट टाइम टेक्निक यूज किया था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। बराबर है, लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, इन दोनों के बीच में किसको किया था, एसएम एच यहाँ पे डाल देंगे, एस एम क्यू नहीं, एंड प्लस ए एम एच। एस एम एच मतलब स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स, एंड ए एम एच मतलब एक्चुअल मिक्स आवर्स। सो सॉरी, यही चीज ऐड हो जाएगी, एक्चुअल मिक्स आवर्स जैसा कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स को माइनस किया, स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स को ऐड किया। सर स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? टोटल ऑफ एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स क्या होता है? टोटल ऑफ एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो।
अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो यहाँ पे मेरा टोटल ऑफ एक्चुअल आवर्स कितना है सर? 14,000 इन स्टैंडर्ड रेशियो, कैन आई से 1:2 जैसा अपना लास्ट टाइम था, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000 को इधर डिवाइड करेंगे तो 4667 एंड 4667 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर मेरे को मिल जाएगा 9334। ए सर जिगड़ू, सो कैन आई से मेरे पास स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स आ गया है। अब मेरा आता है पहला लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, कब आएगा? जब टोटल ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट, जब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे इनपुट कितना है 15,000, यहाँ पे कितना है 14,000, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, तो मतलब क्या आएगा? लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। कितना सर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आ जाएगा ये देखो ना इधर। सो इट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए समझी गुडू। एंड यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा? एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सिंपल। अब देखो इधर स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स में क्या प्रॉब्लम है? स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स में देखो आप दोनों का रेशियो सेम है 1:2 1:2, बट दोनों का टोटल सेम नहीं है। तो जब टोटल सेम नहीं होता है, जब टोटल सेम नहीं होता है तो क्या होता है वो? इट इज कॉल्ड एज लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। एंड मिक्स में क्या प्रॉब्लम होता है? कैन आई से रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड, सो रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ एक्चुअल। तो ये दोनों जब इनपुट का रेशियो स्टैंडर्ड का और इनपुट का रेशियो एक्चुअल का इक्वल नाउ, देन कैन आई से मेरा मिक्स वेरिएंस आएगा एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट हियर। यहाँ पे देखो ये इसका रेशियो है 1:2, यहाँ पे रेशियो है 3:4, तो ये दोनों का टोटल इक्वल है बट मिक्स सेम नहीं है। कैन आई से अपने को क्या मिल जाएगा? लेबर मिक्स वेरिएंस। क्या मिल जाएगा? लेबर मिक्स वेरिएंस। अब ये एब्सोल्युटली क्लियर एकदम। सो कैन आई से मेरे सब फॉर्मूलाज आ गए, अब खाली बचता है क्या? आइडल टाइम वेरिएंस। देखो उसके अलावा मेरे सब फॉर्मूलाज एज इट इज लास्ट टाइम के जैसे ही आ गए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस किसका प्रॉब्लम है? आवर्स का प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स, दोनों मैच नहीं हो रहा है इसलिए वेरिएंस आ रहा है, इनटू एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट अपन लोग ले लेंगे। एफिशिएंसी वेरिएंस है जो मैनेजर है जो लेबरर को यूज करने वाला है विद इन द फैक्ट्री, एचआर मैनेजर बाहर जाके लेकर आएगा, इसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स अपन करते हैं, इनटू एक्चुअल आवर्स करते हैं। अगेन इसको सब डिवाइड किया, सब एफिशिएंसी वेरिएंस मिक्स वेरिएंस लेबर स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है? टोटल ऑफ एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। अभी क्लियर? एब्सोल्युटली एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया सर। अब अपने को बताना है खाली एक लास्ट चीज विच इज आइडल टाइम वेरिएंस। तो मैं आपको यहां पे बता दूं आइडल टाइम वेरिएंस का मतलब क्या होता है भाई। ग्रॉस आपको कितना एक्चुअल आवर्स के लिए पे किया जा रहा है एंड एक्चुअल में आपने कितना नेट आवर्स पे किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो आप ऑफिस में जाते हो, आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है? सर हमारा ऑफिस का टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 7 PM, तो हमारे को ये 10 AM टू 7 PM के लिए हमारे को पगार दिया जा रहा है। तो कैन आई से आप 10 AM टू 7 PM मतलब कैन आई से 9 आवर्स के लिए काम कर रहे हो एवरीडे, बट क्या ये 9 आवर्स कंटिन्यूअसली काम करते हो या इसमें आपका छोटा सा एक लंच ब्रेक भी होता है, इसमें आपका एक बीच में कॉफी ब्रेक भी होता है, कुछ बायो ब्रेक्स भी होते हैं आपके, तो कैन आई से 1 आवर आपका ऐसे ब्रेक में निकल जाता है। तो नेट तो आप 8 आवर ही काम कर पाते हो, मतलब कैन आई से 1 आवर जो है वो आपका क्या है? आइडल टाइम। भाई 9 आवर्स है, 9 AM टू 7 PM 9 आवर्स के लिए मेरे को टोटल बोला है काम करना है, बट बॉस मैं 10 AM टू 7 PM कंटिन्यूअसली 9 आवर्स काम नहीं करता हूं। उसमें से सीधी सी बात है थोड़ा टाइम तो ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स जो भी थोड़ा बहुत है उसके लिए 1 घंटा मेरा निकल जाता है, तो नेट तो मैं 8 आवर्स ही काम कर पाता हूं। तो वो जो 1 आवर है ना, 1 आवर, वो 1 आवर क्या हो जाता है? उसको कहते हैं अपन आइडल टाइम, उसको कहते हैं अपन लोग आइडल टाइम। तो यहां पे ये जो मेरा 1 आवर का मेरा आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा कैसे? एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। सो आप पे तो पूरे 9 आवर्स के लिए करने वाले भाई, आपको आपका क्या मैनेजर आके बोलता है क्या? ए सुन तू है ना 15 मिनट वॉशरूम गया था, ए तू 20 मिनट तूने लंच खाया, तो चल तेरा लंच का रोज का लंच करता है ना, रोज का 20 20 मिनट माइनस करूंगा तेरे पगार में से, रोज तू कॉफी ब्रेक लेते है ना, रोज का 5 5 मिनट माइनस करूंगा। नहीं, उतना अज्यूम्ड है, उतना आपको गिवन है, हाफ डे नहीं लिया, रोज जो मेरा एवरीडे का 1 आवर मेरा जाने ही वाला है
उसके लिए भी पेमेंट तो मिलने ही वाला है मेरे को, ऐसा तो वो बोलता नहीं ना उतना था 20-20 मिनट का रोज का कट करूंगा, नहीं होता है वैसा तो। उसके लिए पेमेंट तो आपको पूरा करना है, बट एफिशिएंसी के लिए चेक करने के लिए मेरे को खाली नेट आर से एफिशिएंटली चेक करना चाहिए भाई, जितना मैंने काम किया है उसी के लिए मेरे को जज करो, बराबर है कि नहीं। यहां पे ध्यान रखना, जब आप पे कर रहे हो, जब आप पे कर रहे हो तो आर जो है वो पेड बेसिस पे आएगा, विच इज ग्रॉस। तो यहां पे देखो एक्चुअल आर्स पेड दिख रहा होगा आपको, एक्चुअल आर्स पेड दिख रहा होगा आपको, दिस इज ग्रॉस आर्स। एंड याद रखना जब एफिशिएंसी की बात चेक करनी है तो एफिशिएंसी तो आप नेट जितना उसने काम किया है वही ड्यूरेशन के लिए देख सकते हो, तो उतना जितने उसने काम किया है उसको कहते हैं एक्चुअल आर्स वर्क, एक्चुअल आर्स वर्क। सो एफिशिएंसी, सब एफिशिएंसी एंड मिक्स वेरिएंस, ये सब में वर्कड 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 आएगा, एंड मेरा रेट एंड मेरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस है, यहां पे वर्ड आ जाएगा पेड, यहां पे वर्ड आ जाएगा पेड। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? ग्रॉस 9 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है, तो एक्चुअल आवर्स अवेलेबल माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, तो 8 घंटा काम किया एफिशिएंटली, तो 1 घंटा जो है वो मेरा आइडल टाइम वेरिएंस रहेगा, विच विल ऑलवेज बी एडवर्स, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं जबकि वो टाइम पे कोई काम भी नहीं कर रहा है। सो दैट विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर, एंड उसके लिए इट विल ऑलवेज बी एडवर्स। तो याद रखना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस रेट वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, ए समझ गुडू। सो अगर मेरे को यहाँ पे एक फटाफट से टेबल बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, फटाफट आ जाओ बना लो मेरे साथ। आइए, तो मैं बना लूंगा भाई, लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। भाई ये जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। याद रखना, ये जब पे करते हो ना आप, तो इधर पेड आवर्स आता है, पेड मतलब ग्रॉस जो आपने पे किया है वो। कैन आई से इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 3 पार्ट में, क्या क्या 3 पार्ट जाएगा? एक आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना लगना चाहिए था और एक्चुअल आवर्स कितना लगा है, ये एक्चुअल आवर्स इधर वर्क आएगा, वर्क कितना जेन्युइनली काम किया ना उसी के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो भाई, इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर आता है आइडल टाइम लेबर, आइडल टाइम वेरिएंस, ग्रॉस आवर्स, जी ग्रॉस आवर्स माइनस नेट आवर्स, यहां पे जो आता है ये आपका आता है आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एंड लास्ट में मेरा आता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, अब यहाँ पे इनटू एक्चुअल आवर्स। देखो रेट मतलब आप पे कर रहे हो, तो इधर आ जाएगा वर्ड पेड मतलब आपका ग्रॉस वाला, यहाँ पे वर्कड आया है तो सीधी सी बात है इसका जो बाइफरकेशन है वो भी वर्कड में ही जाएगा, लेबर सब तो सॉरी लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स, बराबर के नहीं? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अरे बोलो बोलो, एंड स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बट इधर क्या आ जाएगा वर्ड, इधर क्या आ जाएगा वर्ड, अभी क्लियर? अगेन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, सिंपल। जो लॉजिक वहां पे लगाया था मटेरियल के क्वांटिटी के लिए वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है आर्स के लिए, उससे आपको फेवरेबल एडवर्स आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे बहुत स्मूथली लिख लिया है। तो आपने सोचा था 10 घंटे में काम होगा, उसकी जगह पे 8 घंटे में काम हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन एक्चुअल, देन इन दैट केस फेवरेबल है, बहुत अच्छी बात है, कम टाइम में काम हो गया, उस हिसाब से पूरा इसको सॉल्व करना है। आई होप वी एब्सोल्युटली क्लियर। इसी के साथ होता है मेरा लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट, जितने भी लेबर वेरिएंसेस थे सब मैंने यहां पे आप लोगों को करवा दिया है, डन एंड डस्टेड विद लेबर वेरिएंसेस एज वेल। नेक्स्ट है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स, जी हाँ। सो अब मैं आ रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड्स के ऊपर, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स पे आऊंगा, डोंट वरी। तो अब फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं, बस वो सिस्टम फॉलो करना है एंड डेफिनेटली दुनिया का कोई भी सम सॉल्व हो जाएगा। आओ ना देखते हैं ना वो सिस्टम, चलो ना चलो ना। सो ये है मेरा वो सिस्टम फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में सबसे पहले
आप किसके पास जाओगे पता है? आप जाओगे सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड वैरायंसेस में टू द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मैनेजर। तो जैसे ही आप फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मैनेजर के पास गए, उसने आपको बोला 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, ठीक है। फिर आप गए प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर, आप उसको पूछोगे भाई टोटल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्शन करना, तो वो बोलता है 10,000 यूनिट्स। मतलब कहना है इससे कंपनी बोल रही है कि 1 लाख रुपए का हम लोग का टोटल फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा होने वाला है। अपन ने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मैनेजर को जाके पूछा, उसको बोला भी भाई तू देख ले तेरे हिसाब से रेंट रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस सैलरी फलाना ढिंकना जो तेरे को डालना है तू डाल दे, बाद में मत बोलना। तो उसने बोला हाँ सर मैंने सब डाल दिया, 1 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है। मैं गया प्रोडक्शन मैनेजर के पास, प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा प्रोडक्शन मैनेजर तेरे हिसाब से तेरा कितना यूनिट्स बनने वाला है? ला सर पूरे साल में हम लोग का प्रोडक्शन का 10,000 यूनिट्स बनाने का प्लान है। मतलब कहना है इससे फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे 1 यूनिट पे 10 रुपया रिकवर करना है भाई, जिसको प्यार से कहते हैं रिकवरी रेट पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे 1 यूनिट पे 10 रुपया रिकवर करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं रिकवरी रेट पर यूनिट। अभी अंडरस्टैंडिंग? यस सर समझ में आ गया। फिर बाद में मैं गया लेबर मैनेजर के पास, लेबर मैनेजर को पूछा भाई कितना आवर्स लगेगा? उसने बोला सर 20,000 आवर्स मेरा टोटल लगने वाला है 1 यूनिट टोटल पूरा 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए। मतलब कहना है इसे 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगने वाला है, 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगने वाला है। बेसिकली उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो प्राइमा फेसी आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, बजटेड प्रोडक्शन कितना होने वाला है, बजटेड आवर्स आपका कितना लगने वाला है। उसी के साइमल्टेनियसली आपको देखना है कि भाई आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ एक्चुअल में, एंड एक्चुअल आवर्स आपका कितना गया। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपको बोलता है कि भाई फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस हमको कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस हमको कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ध्यान से देखो इधर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस कैसे कैलकुलेट होगा। अपना ये वाला जो एग्जाम्पल है उसी में मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो इसमें मेरे को बताओ हर यूनिट पे अपन कितना रिकवर कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे? कहना है इसे हर यूनिट से अपन 10 रुपया रिकवर कर रहे हैं। अरे भाई मेरा ये जो रिकवरी रेट पर यूनिट है इतना ही तो अपन रिकवर कर रहे हैं हर यूनिट से फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे, जो अपन पहले बजटेड के बेसिस पे ले लिया। जब मुकेश भाई एजीएम के स्टार्टिंग में आए थे अपने पास कि भाई फ्यूचर में कितना कॉस्ट अपन रखने वाले हैं, तो उसमें मेरा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट रिकवरी रेट पर यूनिट मैंने निकाला रहेगा करके, तो 1 लाख का खर्चा होने वाला है 10,000 यूनिट्स में बनाने वाला हूं, मतलब 1 यूनिट में 10 रुपया रिकवर करने वाला हूं मैं, है कि नहीं? अच्छा अब मैंने एक्चुअल में बनाया कितना? सर आपने बनाया टोटल 12,000 यूनिट्स। सो कैन आई से मैंने फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के नाम पे 1,20,000 यूनिट्स रिकवर किया, बराबर है? तो मैंने कितना यूनिट्स अब्सॉर्ब कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्सॉर्ब किया, या इसको बोल सकते हैं मैंने कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवर किया। तो रिकवर्ड या अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? इट इज एक्चुअल प्रोडक्शन इन टू हर यूनिट पे मुझे फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे कितना मिल रहा है। तो कितना प्रोडक्शन है सर? 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है इन टू 1 यूनिट पे कितना अपन रिकवर कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे? 10 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपया, 1 लाख सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 12,000 यूनिट, सॉरी। तो 12,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है सर? 12,000 यूनिट्स का है। तो अपन लोग ने फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाम पे कहना है इसे ₹1,20,000 रिकवर किया है, और एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स अपन देखेंगे। गिवन है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है ₹1,50,000। तो कहना है इसे ओ गॉश हाँ मैंने 1,20,000 रुपए रिकवर किए बट मेरा खर्चा हो गया 1,50,000। कैन आई से 30,000 रुपीज अडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वराइंस आया है मेरा, क्योंकि मैं जितना फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे रिकवर किया है दैट इज मच लेस देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय मी। वाइस वर्सा होगा तो कैन आई से फेवरेबल हो जाएगा। तो कितना रिकवर किया है अब्सॉर्ब या रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अपने को देखना होगा। कितना रिकवर किया है? जितना यूनिट्स बेचा और हर यूनिट पे कितना अपन लोग ने रिकवरी रेट प्लान किया था, हर यूनिट पे अपन ने कितना रिकवरी रेट प्लान किया था। कहना इससे इसको मैं फर्दर सब डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं फर्दर सब डिवाइड कर दूंगा। दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरियंस एंड दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस का मतलब क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो अपन ने क्या सोचा था?
अपन ने बजट गए करने गए थे तब अपने फिक्स्ड ओवरहेड मैनेजर को बोला था ना, चुपचाप बता दे तू तेरा कितना खर्चा होने वाला है। उसने बोला था सर 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, कमबख्त 1,50,000 का खर्चा करवाया है उसने, मतलब कैन आई से 50,000 एक्स्ट्रा खर्चा करवाया है। ये क्या हो गया मेरा एडवर्स भाई, तेरे को पूछा था ना मैंने पहले एक्सपेंडिचर मैनेजर, तभी बराबर बोल देता ना हाँ सर वो एक्चुअली थोड़ा सैलरी ज्यादा देना पड़ गया, वो थोड़ा रेंट बढ़ गया सर, मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया, जो भी है अब तेरी वजह से एडवर्स है तू उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। समझ में आ रहा है आपको? एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम अलायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्शन मैनेजर। देखो यहाँ पे भी मैं दो लोगों के पास प्राइमा फेसी जाता हूँ, पहले मैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मैनेजर के पास गया तो ये आ गया उसका एक्सपेंडिचर अलायंस, फिर दूसरा मैं मेरे प्रोडक्शन मैनेजर के पास गया, प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सो अभी देखो इधर क्या आता है, इधर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बजटेड प्रोडक्शन, मैंने क्या प्रोडक्शन सोचा था 10,000 यूनिट्स, एक्चुअल में मैंने 12,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया है। अभी इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, देखो मैंने सोचा था 10,000 यूनिट्स ही बनाना है बट मैंने एक्चुअल में 12,000 यूनिट्स बनाया है, सो कैन आई से 2,000 यूनिट्स मैंने एक्स्ट्रा बनाया, हर यूनिट पे मैं तो 10 रुपया रिकवर कर रहा हूं, तो कैन आई से 20,000 रुपीज फेवरेबल आ गया है मेरा। समझो ना, मैं तो सोचा था 10,000 यूनिट्स ही बनाऊंगा बट एक्चुअल में मैंने 12,000 यूनिट्स बनानी है, तो अभी लॉजिकली सोचोगे तो सेम जगह के फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कैन आई से 10,000 के जगह पे मैंने 12,000 यूनिट्स बना दिया, तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड तो उतना ही गया बट मेरे को ज्यादा यूनिट्स बनाने को मिल गया, तो फेवरेबल आएगा लॉजिकली। अब इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पे भाई मैं हर यूनिट पे 10 रुपया रिकवर कर रहा हूँ, अब अगर 10,000 की जगह 12,000 यूनिट बनाया मैंने तो हर यूनिट पे 10 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब कैन आई से 20,000 फेवरेबल हो गया। आप अच्छी अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का और एक बाइफरकेशन निकलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस मतलब भाई टोटल कितना कैपेसिटी था और उसमें से हम लोग ने कितना यूटिलाइज किया, बट एक बात आपको बता दूं कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन आवर्स। सो यहाँ पे कितना मेरा बजटेड आवर्स का कैपेसिटी था और एक्चुअल में मैंने कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया, तो इधर देखो आवर्स देखो आवर्स देखो कितना मेरा कैपेसिटी था सर 20,000 आवर्स का कैपेसिटी था और मैंने खाली 14,000 आवर्स ही यूटिलाइज किया, कहना इसे मेरा अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, मतलब एडवर्स वेरिएंस। सो इधर देखो सो मैं बोलूंगा कि भाई 20,000 आवर्स अपने को यूटिलाइज करना था भाई बट तू खाली 14,000 आवर्स ही यूटिलाइज कर पाया है, एंड हर आवर के ऊपर रिकवरी रेट कितना है वो अपन रिकवरी रेट पर आवर में देखो इधर कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो 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 यहाँ पे अपन लोग रिकवरी रेट पर आवर कैलकुलेट कर चुके हैं एंड दैट इज 5 पर आवर। कैसा है वो? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख, बजटेड आवर्स 20,000, सो 5 पर आवर के हिसाब से अपना रिकवरी रेट पर आवर बैठ रहा है एंड देयरफॉर वी विल से मल्टीप्लाई बाय 5, सो 6,000 अपन लोग ने आवर्स अंडर यूटिलाइज किया है, सो दिस विल बिकम 30,000 एडवर्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे देखो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, बजटेड आवर्स जो सोचा था उस वो ज्यादा है और एक्चुअल आवर्स कम है, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड एज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड एफए सिचुएशन में इट इज एडवर्स वेरिएंस, एफए सिचुएशन में इट इज एडवर्स वेरिएंस। यही अभी अगर आप फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर जाओगे, आ जाओ फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पे, तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बोलता है भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितना आपको स्टैंडर्ड आवर्स लगना चाहिए था, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आवर। याद रखना यहाँ पे एफिशिएंसी और कैपेसिटी में ऑलवेज रिकवरी रेट पर आवर आता है क्योंकि दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आवरली बेसिस। सो आपने देखो यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस याद है आपको, उसमें क्या था फॉर्मूला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में? सेम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, सेम टू सेम फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का भी इंटरनल ब्रैकेट
वो ही रहेगा, कितना आवर्स लगना चाहिए था एक प्रोडक्ट के लिए, स्टैंडर्ड कितना आवर्स लगना चाहिए था एक प्रोडक्ट के लिए एंड एक्चुअल में कितना आवर्स लगा है. सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कहना से मेरे को यहां से मिल जाएगा. एंड देखो यहां पे मैंने ना कैलकुलेट भी किया है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, देखो आपको दिख रहा है. सो बेसिकली ये सब जो बेसिक चीज अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ना, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब दुनिया का कोई भी सामान है तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट. तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, इट इज एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर्स लगता है, तो 2 आवर्स लगता है एक यूनिट बनाने के लिए. देखो इधर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट वो भी मैंने नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, सो यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल. सो एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए 24,000 आवर्स लगेगा. सो अपने को लगा था कि भाई 24,000 आवर्स लगने वाला है एंड एक्चुअल में कितना आवर्स लगा है, एक्चुअल में लगा है 14,000 आवर्स. सो कैन आई से मेरे को कम आवर्स लगा है, अगर कम आवर्स लगा है मतलब मैं एफिशिएंट हूं. सो 10,000 आवर्स कम लगा है और हर आवर पे अपन 5 रुपया कमाते हैं. सो कैन आई से 50,000 का मेरा फेवरेबल आया, दोनों को ऐड करोगे तो इधर आ जाता है आपका 20,000 फेवरेबल, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस. हो अभी क्लियर? एब्सोल्युटली कोई टेंशन इसमें किसी को भी नहीं है. तो ये आओ अपन लोग इधर फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं. देखो एक चीज आपको क्लियर रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है 15 मिनट में करना है तो थोड़ा सा यार आपको भी एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि नहीं, बट आई एम श्योर ये आप एक बार बराबर से देख लोगे, यू विल बी एबल टू मैनेज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो बजट दिया है, एक्चुअल दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मैनेजर के पास जाओ पहले, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाओ, आर्ट्स मैनेजर के पास जाओ, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एक बार लिख लो. रिकवरी रेट पर यूनिट मिल जाएगा, रिकवरी रेट पर आर मिल जाएगा आपको. एक बार आप लोग ने वो सब कैलकुलेट कर लिया उसके बाद में इट इज जस्ट प्लेइंग विद फॉर्मूलाज. पहला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस बोलता है कि भाई कितना रिकवरी हुआ है, कितना अब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड है माइनस एक्चुअल में मेरा कितना खर्चा हुआ है. कितना रिकवर होता है तो कितना प्रोडक्शन इंटू रिकवरी रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड. अच्छा एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू, अच्छा अभी ये देखो एक चीज ध्यान में रखना, इतना आपको समझ में आया फॉर्मूला, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू एक यूनिट पे कितना मैं रिकवर कर रहा हूं. सो इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड. तो ये आपको क्लियर हो गया. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस भाई कितना उसने ओरिजिनली बोला था, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल में कितना हुआ है उसका कंपैरिजन. फिर है वॉल्यूम वैरिएंस, प्रोडक्शन मैनेजर कितना बजटेड प्रोडक्शन बोला था और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया है तो वो मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर यूनिट. कैपेसिटी वैरिएंस इन टर्म्स ऑफ आवर्स देख लेते हैं, बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर. एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस कितना आपका एक्चुअल आवर्स हुआ है इनटू रिकवरी रेट पर आवर विल बिकम योर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस. सो आई होप ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा. अब खाली एक पॉइंट है कि अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आर्स में दिया है, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आर्स में दिया है तो सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. जहां पे भी रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है ना, ये देखो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जहां पे भी रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है ना, जहां पे भी रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है ना, ये देखो जहां पे भी रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है ना, उधर आपको स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आर करना है. जहां पे भी रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है वहां पे आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू रिकवरी रेट पर आवर करना है. सो यहाँ पे रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है, वहां पे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट पर आवर करना है बस. तो यहाँ पे देखो ये अगर मैं रिकवरी रेट पर यूनिट लिखा है इधर, उसकी जगह पे लिख देता हूं एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर. अब सिर्फ आपको लॉजिकली बताऊं तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट क्या होता है, इट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. सो इधर आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी रेट पर आवर, या जिसको आप स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी बोल सकते हो. बट दैट इज ओनली इन द एक्सट्रीम केस, इफ सब कुछ आवर्स में ही आपको दिया है तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये जो अपना वाला फॉर्मूला है दिस इज डेफिनेटली एप्लीकेबल एवरीवेयर. समझ में आ गया? देखो बाकी कैपेसिटी वैरिएंस एफिशिएंसी वैरिएंस तो बाय डिफॉल्ट आवर्स में ही है तो उसका तो टेंशन ही नहीं है. अब आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस में, यहाँ पे भी एक रिकवरी रेट पर यूनिट है, उसके जगह पे हमने रिकवरी रेट पर आवर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आवर्स के बेसिस पे फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, एज आई सेड नॉट दैट इंपॉर्टेंट.
फिर इसको और फर्दर डिवाइड किया है, बोल दिया है फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस भी होता है। अब जैसे आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन था, वैसे ही यहाँ पे बजटेड डेज कुछ दिया होगा और एक्चुअल डेज दिया होगा, दोनों को कंपेयर करो इन टू रिकवरी रेट पर डे। रिकवरी रेट पर डे कैसे कैलकुलेट करोगे आप? टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड डेज। क्या बोला? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड डेज। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड डेज करेंगे तो अपने को मिल जाएगा रिकवरी रेट पर डे। सो बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे कर दिया तो आपको कैलेंडर वेरिएंस भी मिल जाएगा। इसी के साथ जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस थे वो सब अपन लोग ने कंप्लीट कर लिया। एज आई सेड, अपने को बहुत हार्ड कोर फोकस करना पड़ेगा मेरे ये एग्जाम्पल के ऊपर। वापस से ये एग्जाम्पल देख लो। एज आई सेड, मैंने ये शीट शेयर भी की है आप लोग के साथ गूगल ड्राइव पे। तो ये एग्जांपल देख लो एंड फिर कोई भी आप फॉर्मूला में इसको पुट अप करो फिक्स्ड ओवरहेड के, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। और लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि बाप पहले फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है। फैक्ट्री में आप सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर मैनेजर के पास जाओगे, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाओगे, आपको रिकवरी रेट पर यूनिट मिलेगा। आप देखोगे भाई कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है और जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है और कितना आपका रिकवरी रेट पर यूनिट आया, उतना ही आपने रिकवर किया होगा, उतना ही आपने अब्सॉर्ब किया होगा, रिकवर किया होगा, उसको कंपेयर करता है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के साथ। तो आपको पता चलता है कि भाई ठीक है, मैंने ज्यादा रिकवर किया है या कम रिकवर किया है। कम रिकवर किया है देन इन दैट केस इट इज एडवर्स, ज्यादा रिकवर किया है तो इट इज फेवरेबल। फिर मैं एक्सपेंडिचर मैनेजर के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई तूने क्या बजटेड एक्सपेंडिचर सोचा था और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या किया है, ज्यादा किया है तो एडवर्स अदरवाइज फेवरेबल। फिर मैं जाऊंगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के पास, उसको मैं बोलूंगा भाई तूने क्या बजटेड प्रोडक्शन सोचा था और उसके सामने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है। अगर तूने एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा किया है मतलब तू ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर किया है, ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड मिला है अपने को हर यूनिट पे, एंड देयरफॉर आई विल से फेवरेबल और वाइस वर्सा। फिर बाद में आता है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का डिवीजन, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस होता है बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। बजटेड आवर्स मैंने क्या सोचा था माइनस एक्चुअल में मैंने कितना आवर्स कंज्यूम किया है। अगर मैंने कम आवर्स कंज्यूम किया है जो मैंने बजट किया था, क्योंकि देखो फिक्स्ड ओवरहेड तो उतना खर्चा है ना, जो होना है वो तो होना ही है, बट मैंने अगर कम आवर्स कंज्यूम किया तो मैंने अंडर यूटिलाइज किया कैपेसिटी को, और कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज किया तो एडवर्स, क्योंकि मेरा जो खर्चा होना है वो तो होना ही है। तो बजट जो किया था उसके लिए मैंने जो बजटेड आवर्स सोचा था उसके हिसाब से मैंने फिक्स्ड ओवरहेड सोच के रखा था, बट मैंने एक्चुअल आवर्स कम कंज्यूम किया, इट विल बिकम एडवर्स। एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए मैं बोलूंगा भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर्स लग रहा है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल में मैंने कितना आवर्स लिया है। अगर मैंने कम आवर्स लिया है तो फेवरेबल, अदरवाइज एडवर्स। सेम टू सेम चीजें मैंने यहां पे भी लिख दी है। सो फॉर्मूला क्लियर, फॉर्मूला के जो डेरिवेशन थे वो आप लोगों को लॉजिकली समझा दिया है। अब आपको खाली इसको अप्लाई करना है कोई भी सम में, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। सो रिकवरी रेट पर यूनिट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू रिकवरी रेट पर आवर, ये मैंने खाली दे दिया। इन केस ऑफ क्वेश्चन आवर्स में हो तो जहां जहां पे भी रिकवरी रेट पर यूनिट था वहां पे आप इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू विल गेट द होल आंसर। सो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ये क्वेश्चन रिलेटेड टू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट है मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में दो तरीके होता है, एक होता है बेस्ड ऑन यूनिट्स, दूसरा होता है बेस्ड ऑन आवर्स। आओ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर समझो अपने को मैजिक बुक बनाना है, अगर अपने को समझो मैजिक बुक बनाना है, तो आप मेरे को बताओ कि एक मैजिक बुक बनाने के लिए, एक मैजिक बुक बनाने के लिए कितने क्या रेट पे ओवरहेड चार्ज होगा। तो एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड जो वेरिएबल ओवरहेड है दैट इज इक्वल टू ₹25 पर यूनिट। एक मैजिक बुक बनाने के लिए ₹25 पर यूनिट का कॉस्ट लगता है एक बुक का, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग ने 100 मैजिक बुक्स बनाई एंड हम लोग को टोटल कॉस्ट आया ₹3,000, क्योंकि ₹30 पर मैजिक बुक का लगा तो 3,000 का कॉस्ट आया। अब आप मेरे को बताओ क्या ये 3,000 और ये 25 कंपेरेबल है क्या? नहीं सर, ये कंपेरेबल नहीं है। क्यों कंपेरेबल नहीं है? क्योंकि सर इसको भी तो स्टैंडर्ड एट एक्चुअल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। सो अगर आपको इसको स्टैंडर्ड एट एक्चुअल बनाना है देन इन दैट केस वन यूनिट के जगह पे आप इधर क्या लिख देंगे, कैन आई से 100 यूनिट्स एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। तो कैन आई से अपने को लगा था कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन
क्या बोला, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होगा 2500, बट इट इज एक्चुअली 3000। मतलब कहना ही सही ये हो गया मेरा 500 एडवर्स ए सब जुगड़ू। सो एक यूनिट के लिए मेरे को कितना स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड लग रहा था, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो ना ये 100 क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, अगेन प्रोडक्शन सेम, ताकि इनपुट जो वेरिएबल ओवरहेड है उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे तो इधर मेरे को मिल जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस जो भी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दिया है, एंड कंपेयर दिस टू गेट द फाइनल आंसर। यहां पे फटाफट देखो, बेस्ड ऑन यूनिट्स अगर हुआ तो क्या करेंगे अपन, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको आप प्यार से स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हो, और इसको आप लिख सॉरी पर यूनिट नहीं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी बोल सकते हो, एंड इसको एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी बोल सकते हो। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। अब आ जाते हैं अपन लोग बेस्ड ऑन आर्स के ऊपर। सो ये था अपना बेस्ड ऑन यूनिट्स। यूनिट्स के बेस पे है ना खाली एक ही आता है, दैट इज फिक्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वराइंस, सिंपल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरा है मेरा बेस्ड ऑन आर्स। आइए देखते हैं बेस्ड ऑन आर्स के केस में क्या सिचुएशन होगा, राइट? सो ये बेस्ड ऑन यूनिट्स वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वराइंस, सीधा सिंपल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट अपने को कितना दिया था अपने क्वेश्चन में, 25 रुपीज। एक्चुअल के साथ कंपेयर किया एंड वी गॉट फेवरेबल या एडवर्स। अब आ जाते हैं अपन लोग बेस्ड ऑन आर्स। बेस्ड ऑन आर्स में क्या होता है देखो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट जो अपन लोग ने किया था, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो कैन आई से मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो एकदम सॉर्टेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि भाई स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट को आप क्या लिख सकते हो बताए क्या? आपको यहां पे लिखना पड़ेगा इफ इट इज बेस्ड ऑन आवर्स, देन अपन लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को आप लिखोगे इफ इट इज ऑन बेस्ड ऑन आर्स, आप लिखोगे स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। समझ रहे हो? सो ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, किस में, इन केस इट इज ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्स। तो मतलब आर्स के बेसिस पे डेटा दिया है तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट की जगह पे आ जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट फॉर आर। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह पे आ जाता है स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और फिर बाद में इसको अपन लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल्स के साथ, तो एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? समझ गुड़ू? सो ये होता है आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस ये होता है आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर? सो यहां पे देखो फॉर्मूला को, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर माइनस वही एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर्स। अब आ जाते हैं इसके दो बाइफरकेशन। इसमें खाली दो बाइफरकेशन है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर में, मटेरियल में, लेबर में, 5 से 6 बाइफरकेशन थे, यहाँ पे खाली 3 बाइफरकेशन है टोटल। सो एक हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसको फर्दर सब डिवाइड किया एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस में। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट या पर आर, अभी अपन लोग सब पर आर बेसिस पे ही करेंगे। यहाँ पे ये देखो ये जो है ना वो पर आर आर्स बेसिस पे ही होता है, जैसा मैंने आपको बोला कि यूनिट बेसिस पे दिस इज द ओनली फॉर्मूला। क्या? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, दैट्स इट। बट आर्स के बेसिस पे जब अपन करते हैं तो ये वेरिएबल ओवरहेड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर इनटू कितना मेरा एक्चुअल आर्स वर्क है वो आ जाएगा। एंड एफिशिएंसी के केस में स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कितना आर्स लगना चाहिए था फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस कितना आर्स लगा है इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर,
इस हिसाब से कैन आई से मेरा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, सो दैट वी गेट ऑल थिंग्स राइट। याद रखना, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट अगर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट से ज्यादा हुआ तो समझो अपन लोग ने सोचा कि ये 30 और ये 25, देन इन दैट केस फेवरेबल, क्योंकि मैं ₹30 देने वाला था एक यूनिट का, बट उसके जगह पे मैं खाली ₹25 में काम करवाया, मतलब आई एम फेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर्स इज ग्रेटर देन एक्चुअल आवर्स, मतलब मेरे को लग रहा था कि 10 घंटे में काम होगा, वो काम 9 घंटे में हो गया, मतलब फेवरेबल, क्योंकि कम आवर्स में काम हो गया तो मेरे को कम वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से पे करना पड़ेगा। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो ये होता है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वैरियंसेस। सो अगेन आपको चाहिए तो आप ये वाला चीज लिख सकते हो, ये लिख सकते हो या आपके पास डाउनलोडेड होगा तो ये आप गो थ्रू कर लोगे, देन इन दैट केस यू विल गेट द आंसर्स एज वेल। सो याद रखना, इन केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वैरियंसेस दो होता है, एक होगा एज पर यूनिट, एक होगा एज पर आवर्स। यूनिट के केस में स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड एट एक्चुअल पे उसको लाना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट माइनस इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। सो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हो गया स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। अब आ जाते हैं अपन लोग आर्स के बेसिस पे, तो आर्स के बेसिस पे स्टैंडर्ड रेट पर आर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, स्टैंडर्ड उधर रेट पर यूनिट था, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह पे स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल। बाकी इन केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना पर यूनिट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट पर आर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर इनटू एक्चुअल आवर्स। एंड एफिशिएंसी के केस में आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू कितना अपना स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर है। सो इसके साथ होता है अपना एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस कंप्लीट, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें अपने को क्या करना है पता है क्या, कुछ जनरल पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे ये वाले नेक्स्ट पेज पे लिखा है, एकदम मस्त पॉइंट्स है जिससे सब चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपको स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स। अगर आपको एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल आर्स, सिंपल। अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट पर कैलकुलेट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन। अगर आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स का रिकवरी रेट पर आर कैलकुलेट करना है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आर, सिंबल। यही अगर मैं इधर रिकवरी रेट पर यूनिट मेरे को कैलकुलेट करना है तो उसका और एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट इनटू रिकवरी रेट पर आर। स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट कैसे आता है, बजटेड आर्स डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन। सो ये सब इन जनरल पॉइंट्स है। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो अभी मैं जिसको हाईलाइट करने वाला, वो है टोटल आवर्स इज ऑलवेज सेम फॉर लेबर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ध्यान रखना, क्रूशियल पॉइंट, टोटल आवर्स सेम होता है किसका, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड का, कोएक्सीडेंट नहीं, ये कभी भी सेम ही होता है। कोई भी सम आप उठा के देख लेना, लेबर आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड का आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड का आवर्स इज ऑलवेज 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 सेम। समझिगड़ू, अब यहां पे एक बार वेरिएंस टेबल आप देख सकते हो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा हुआ एक्चुअल से, मतलब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपने सोचा 10,000 और एक्चुअल हुआ खाली 8,000, तो फेवरेबल बात है ना, अपन ने जो सोचा था उससे कम में खर्चा हो गया वैसा। सो जो भी इधर फेवरेबल एडवर्स के इंटरप्रिटेशन है वो इधर लिख ले, यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस। अच्छा, अब आपका केस स्टडी डाइजेस्ट है ना, केस स्टडी डाइजेस्ट में ये एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी फॉर्मूला यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, बट इट इज वेरी इजी। देखो, एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, है ना, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद करो, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी का या कोई भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पता है क्या, लेबर ओवरहेड एफिशिएंसी ले लो, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, कोई भी एफिशिएंसी वैरायंस ले लो, फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू, फिर अगर वो लेबर का हुआ तो लेबर रेट पर यूनिट, लेबर आर रेट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड हुआ तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर,
और अगर फिक्स का हुआ तो रिकवरी रेट पर आर, यहां पे फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, वही स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस के जगह पे वो चीज यहां पे हो जाती है डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। वहां पे क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स, यहां पे वो सेम चीज डिवाइड हो जाती है। दूसरा क्या है, कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी के रेशियो का फॉर्मूला क्या था, बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बस वही फॉर्मूला यहां पे आ जाता है। बजटेड आवर्स नीचे आएगा एक्चुअल आवर्स से, आप उसको कंपेयर करो, सो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, एंड फिर एक्टिविटी रेशियो, व्हिच इज इजी क्योंकि एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू योर एक्टिविटी रेशियो। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस के जगह पे डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। कैपेसिटी रेशियो क्या है, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्टिविटी रेशियो। इसी के साथ मेरा वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और कुछ जो जनरल पॉइंट्स थे वो सब के सब यहां पे कंप्लीट होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट है मेरा सेल्स वेरिएंसेस। तो सेल्स वेरिएंसेस की बात करूं तो इसमें दो डिवीजन है, एक होता है मेरा एज पर टर्नओवर मेथड एंड दूसरा होता है मेरा मार्जिन मेथड। मैं आपको बता दूं मार्जिन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर मतलब टोटलिटी पे, मार्जिन मतलब बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड हियर, एकदम सिंपल यहाँ पे आपको लॉजिक्स यूज करना है। चलो आप फटाफट मैं इसके लिए भी एक आपको आइडिया दे देता हूं, लेट्स क्विकली जस्ट राइट डाउन। सो एक होता है सेल्स में बेस्ड ऑन टर्नओवर बेसिस, ठीक है, एक होता है टर्नओवर बेसिस, दिस इज बेस्ड ऑन टोटल सेल्स, एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन मार्जिन मेथड, दिस इज बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट। एंड ये जो नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सर अभी ये सो अपना टर्नओवर मेथड वाला है, उसमें अपन लोग क्या करेंगे, तो वेरी वेरी इजी। देखो यहां पे अपने को बजटेड सेल्स क्वांटिटी होगा अपने पास, जैफा अपने लिए मटेरियल में होता था, जैफा अपने पास लेबर में होता था, वेरिएबल ओवरहेड में होता था, वो तो स्टैंडर्ड एक सेट होता है ना। तो वैसे ही मैं बजटेड सेल्स क्वांटिटी ले लूंगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलूंगा, ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना सेल करने वाला है, मैं हूं मुकेश अंबानी, बता मुझे। तो अपने को जवाब देता है सर मैं कितना बजटेड सेल्स क्वांटिटी सेल करूंगा, फिर मैं जाऊंगा बजटेड सेल्स प्राइस मैनेजर के पास, तो जिससे मुझे मिल जाएगा बजटेड सेल्स वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग, एंड फिर मैं क्या करने वाला हूं, फिर मैं जाने वाला हूं एक्चुअल्स के पास, तो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी एक्चुअल सेल्स प्राइस, मुझे मिल जाएगा एक्चुअल सेल्स वैल्यू, मुझे मिल जाएगा एक्चुअल सेल्स प्राइस एंड एक्चुअल सेल्स वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? यस सर। सो ये अब कंपेयर करना है, तो पहला जो मेरा वेरिएंस है उसमें मैं बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू को कंपेयर करूंगा, बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू को कंपेयर करूंगा। सो देखो इधर क्या होता है मेरे एक सिचुएशन में, सबसे पहले है मेरा सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस क्या होता है, बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पहले मैं किसके पास गया था, मार्केटिंग टीम के पास गया था, तो मार्केटिंग टीम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, मेरा वॉल्यूम के लिए, तो ये आता है मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और दूसरा कौन था मेरा, कैन आई से प्राइस मैनेजर के पास गया था, वो आता है मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस। सो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा सर, बजटेड सेल्स क्वांटिटी हमने जो सोचा था और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कितना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस। एंड अगर मैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात करूं, देन इन दैट केस बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। एक तुमको समझूगड़ू। सो ये अभी बेसिक देखो ना, ये तो अभी आप लोगों को सिस्टम सेट हो गया रहेगा कि वॉल्यूम वेरिएंस मतलब सेल्स क्वांटिटी, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, प्राइस मतलब बजटेड सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स प्राइस। सो उस हिसाब से वर्कआउट होगा। फिर बाद में आता है मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें फर्दर बाइफर्केशन होता है, वो स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी बच्चा। तो यहाँ पे बीच में आ जाता है स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी, कैसे होता है, टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड, टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड, याद आया। सो यहां पे अपन लिखेंगे सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस लिखते हैं एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस लिखते हैं। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस क्या होगा, तो बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस के नहीं से यहां पे यस स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी इनटू वही बजटेड सेलिंग प्राइस, एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस में क्या हो जाएगा, के नहीं से स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी
माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस। ए तुमको समझ गयो? सो दिस इज माय टोटल सेल्स बेस्ड ऑन टर्नओवर। आओ इधर देखो, सो सेल्स वैल्यू वेरिएंस से पहले मेरा यहां पे देखो, ये जो था मेरा ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस था ना बेटा, बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू। तो बजटेड सेल्स वैल्यू क्या होता है? बजटेड सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सेल्स प्राइस। इसको फर्दर डिवाइड किया सेल्स प्राइस वेरिएंस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में, सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होगा? बजटेड सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स प्राइस इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस। समझ गुडू? कैन आई से सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंड बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, ये देखो ना, अभी आपको लॉजिकली ये डिराइव करने को आना चाहिए, खुद से लिखते जाओ आते जाएगा। एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। सो स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी क्या होता है? वेरी सिंपल, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। आई होप ये अपने को क्लियर हो गया था। ये अपना टर्नओवर वेरिएंस, इसी में जब मैं अभी इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको मार्जिन वेरिएंस, बहुत एकदम इजी है। जहां पे भी आपने ये देखो, ये जो बजटेड सेल्स प्राइस लिखा है ना, ये जहां पे भी ये बजटेड सेल्स प्राइस लिखा है ना, ये प्राइस के जगह पे आपको लिखना है मार्जिन। तो यहाँ पे क्या है? बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी वही रहेगा, बट यहाँ पे आ जाएगा बजटेड मार्जिन। बजटेड सेल्स प्राइस के जगह पे आ जाएगा बजटेड मार्जिन, एक्चुअल सेल्स प्राइस के जगह पे आ जाएगा एक्चुअल मार्जिन। समझ में आया क्या? तो ये जहां जहां पे भी आपको सेल्स प्राइस और वो सब लिखा है ना, उधर क्या आ जाएगा? उधर आ जाएगा वर्ड मार्जिन। बजटेड मार्जिन का मतलब बेसिकली होता है, चलो सो ये एज इट इज अब अपने को यहां पे लिखना है, बट याद रखना कि नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ऑन मार्जिन बेसिस। तो सेल्स बट किसके बेसिस पे? मार्जिन बेसिस पे। तो मालूम है सेल्स टर्नओवर में अपन लोग ने क्या किया था? सेल्स वैल्यू वेरिएंस, इधर बस वो वैल्यू के जगह पे लिख देंगे सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। सो कैन आई से बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू करते हैं अपन, यहां पे अपन लिख लेंगे बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? तो देखो, बजटेड सेल्स क्वांटिटी के लिए कितना बजटेड मार्जिन पर यूनिट आएगा? माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पे होता है कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन, बजटेड मार्जिन पर यूनिट। ध्यान में रखना, बजटेड मार्जिन पर यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ये मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? कैन आई से बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। समझे? ये देखो ना, बजटेड मार्जिन पर यूनिट अपने को कैलकुलेट करना है। वैसे ही अगर मेरे को एक्चुअल मार्जिन कैलकुलेट करना हुआ, तो कैन आई से इट विल बिकम एक्चुअल सेल्स प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। ए समझ गए? सो यहां पे प्लीज बी वेरी क्लियर। अब देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा, सर आपने गलती से कहीं बजटेड कॉस्ट तो नहीं लिख लिया? नहीं नहीं भाई, ये बजटेड कॉस्ट गलती से नहीं, ये बजटेड कॉस्ट पर्पसली लिखा है। एक्चुअल मार्जिन का मतलब ही होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। क्यों मैं आपको बोलता हूं? देखो, इसका रीजन मैं आपको बता दूं, फटाफट से ध्यान देना। समझो, अभी जो ये मार्जिन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेल्स मैनेजर्स का होता है। किसका होता है? सेल्स मैनेजर्स का होता है। तो समझो, बजटेड सेल्स क्वांटिटी इसने दिया हुआ है अपने को, सॉरी बजटेड सेल्स वैल्यू अपने को इसने दिया हुआ है 100। अब बजटेड कॉस्ट तो मेरे को मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, लेबर, वो लोग को जाके पूछना पड़ेगा, वो लोग का कॉस्ट आया 80। तो कहना ही सेम मेरा बजटेड मार्जिन आना चाहिए 20 का, बराबर है। अब मैं एक्चुअल में देखने को गया, तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू, एक्चुअल में मैंने एक्चुअल सेल्स, सॉरी इधर प्राइस लिख देते हैं, तो एक्चुअल सेल्स प्राइस मैंने ना 110 में बेचा, बट मेरा जो इधर एक्चुअल कॉस्ट आया वो आया 105। तो कैन आई से मेरा एक्चुअल मार्जिन उस हिसाब से हो जाएगा 5 रुपीज। अब जो सेल्स मैनेजर है वो बोलेगा कि सर, वो मालूम है वो कैसे खड़े रहता है, वैसे ये खड़े रह जाएगा मैं भी, और मैं बोलेगा कि भाई ये क्या, टोटल 20 का मार्जिन आ रहा था 5 का हो गया, बट मैंने तो 100 के जगह पे 110 रुपए का सेल्स लगाया, फिर भी मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। उसको बोलेंगे ओके ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट माई सेल्स मैनेजर, तो हम यहाँ पे बजटेड कॉस्ट माइनस कर लेंगे विच इज 80, ताकि ये 30 दिखे।
एंड इट विल शो अ बेटर परफॉर्मेंस फॉर सेल्स मैनेजर जो मार्जिन वैरायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पूरे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड मार्जिन पर यूनिट। कैसे आएगा? बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। आई होप वी आर क्लियर। अब फॉर्मूलाज को अपने को पुटअप करना है, सो आई थिंक थिंग्स विल बिकम वेरी मच इजियर एंड मैनेजेबल। सो सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस आ गया, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस आ गया, सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। देखो वहां पे था बजटेड सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल सेल्स प्राइस, यहां पे आ जाएगा बजटेड मार्जिन पर यूनिट माइनस एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी एंड यहां पे आ जाएगा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। बजटेड सेल्स क्वांटिटी एज इट इज, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी एज इट इज, बट बजटेड सेल्स प्राइस के जगह पे इधर आ जाएगा बजटेड मार्जिन पर यूनिट। समझू गुडू? कैन आई से दिस कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड, दिस वॉल्यूम वेरिएंस कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बोलो बोलो, टेल टेल कौन सा? एक आ जाएगा सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, दूसरा आ जाएगा सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस मतलब याद रखो क्या, बजटेड सेल्स क्वांटिटी अपन करते हैं माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी की जगह पे स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी आ जाएगा। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू, दोनों में चेंज क्या है, बजटेड मार्जिन पर यूनिट एंड बजटेड बजटेड मार्जिन पर यूनिट। ए समझ गए? तो एवरीथिंग इज सेम, जो वैल्यू वेरिएंस में था वही मार्जिन वेरिएंसेस में भी है, एवरीथिंग इज सेम, द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस मार्जिन। सो बजटेड मार्जिन पर यूनिट, नेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना आता है, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल मार्जिन क्या आता है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। ए आपको समझ गुड़ो? एंड दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स अप। आओ फटाफट अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाई बाय बजटेड मार्जिन पर यूनिट, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा, मार्जिन माइनस मार्जिन हो जाएगा अभी। एंड यहाँ पे बजटेड मार्जिन आ जाएगा वॉल्यूम में, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, वो तो एज इट इज ही रहना है। सेम वे मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, मार्जिन मिक्स वेरिएंस एंड बजटेड मार्जिन बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल मार्जिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। एंड विद दिस वी कंप्लीट माई सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस एज वेल। जहां जहां पे भी ये प्राइस है उधर बीच में मार्जिन प्राइस आ गया, वॉल्यूम है मार्जिन वॉल्यूम आ गया, क्वांटिटी है मार्जिन क्वांटिटी आ गया, मिक्स है मार्जिन मिक्स आ गया, ऑल फॉर्मूला सेम। खाली जहां पे बजटेड सेलिंग प्राइस था वहां पे बजटेड मार्जिन आ गया, जहां पे भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस था वहां पे एक्चुअल मार्जिन आ गया। समझ गुड़ू? इसी के साथ मेरे सारे सेल्स वेरिएंसेस भी होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट इन लाइन इज योर मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आ सकता है। सुनो, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो इन सेल्स मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। दोनों को मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं, फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है। सम जो आप कोई भी इंडस्ट्री में हो तो उसका एक मार्केट साइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब कार्स का इंडस्ट्री, तो कार्स के इंडस्ट्री में अपन एग्जांपल लेते हैं मारुति 800 का या मारुति का, मारुति ब्रांड सबको पता है, कार्स इंडस्ट्री। सपोज टोटल इंडस्ट्री साइज है 1 लाख कार्स का, टोटल इंडस्ट्री साइज है 1 लाख कार्स का, तो ये अपने को एक्सपेक्टेशन है कि भाई 1 लाख कार्स का टोटल साइज होगा और एक्चुअल में साइज निकला 1,20,000 कार्स का। मतलब अपने को लग रहा था कि टोटल पूरे अपने बोलते ना बॉम्बे में, समझो फॉर एग्जांपल, या पूरे इंडिया में, टोटल इंडिया में 1 लाख बायर्स ऑफ कार्स है, कार्स का समझ रहे हो, पूरे कार्स का इंडस्ट्री कितना है, 1 लाख यूनिट्स टोटल मार्केट में सेल होंगे या कंज्यूमर्स खरीदने के लिए रेडी है, कितने 1 लाख कार्स, और एक्चुअल में उसका साइज निकला मतलब एक्चुअल में 1,20,000 कस्टमर्स कार खरीदने को रेडी है। मतलब कहना इसे
एक्चुअल मार्केट साइज 1,20,000 है, तो कहना इसे 20,000 से शेयर टोटल अपना जो साइज है वो बढ़ गया। अब मेरे को आप बताओ कि साइज बढ़ गया, मार्केट का साइज बढ़ गया तो पॉजिटिव है या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि मैं उतने ज्यादा यूनिट सेल कर पाऊंगा। उसमें से अपना शेयर कितना है, से फॉर एग्जाम्पल मारुति का शेयर है 20%, तो कहना इसे 4,000 यूनिट्स मैं ज्यादा बेच पाऊंगा। अरे बोलो बोलो, टेल टेल। तो मेरा मार्केट साइज वैरायंस हो गया 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड मार्जिन या बजटेड सेलिंग प्राइस, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसे आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ फेवरेबल वैरायंस। क्यों फेवरेबल वैरायंस बच्ची? क्योंकि आपने सोचा था कि टोटल बजटेड साइज 1 लाख यूनिट्स का होगा, बट एक्चुअल में बजटेड साइज है 1,20,000 यूनिट्स का। मतलब कहना ही से 20,000 यूनिट्स मार्केट में ज्यादा सेल करने के लिए मिल गया। पूरे 20,000 यूनिट्स तो मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास तो मेरा ही शेयर आएगा। सपोज मेरा शेयर है 20%, सो 4,000 यूनिट्स मैं ज्यादा बेच पाऊंगा हर यूनिट पे, जो भी मेरे को बजटेड सेलिंग प्राइस है उतना फेवरेबल वराइंस। सपोज मार्केट साइज निकलता है 1,20,000 के जगह पे 90,000 कार्स का, तो कैन आई से 10,000 यूनिट्स कम बेचने को मिलेंगे। उसमें से मेरा शेयर है 20%, सो मैं 2,000 यूनिट्स कम बेच पाऊंगा मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस जो मेरे को मिलने वाला था। अब वो जो भी आने वाला है वो मेरा क्या हो जाएगा, अड्यूवर्स। ए तुमको समझी गुड़ू? इन द सेम वे मार्केट शेयर वराइंस में क्या होता है, ध्यान से देखना। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी जो है मेरा, अच्छा इधर मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको देखने के लिए मिल जाए। सो यहां पे इफ यू वॉन्ट वी कैन जस्ट राइट इट डाउन। सो अपन ने क्या देखा कि शेयर वराइंसेज में दो है, एक है मार्केट शेयर, एक है मार्केट साइज। तो पहला अपन ने देखा मार्केट साइज। मार्केट साइज में क्या देखा अपन ने कि भाई कितना बजटेड मार्केट साइज है, किसका, कार इंडस्ट्री का। सपोज 1 लाख यूनिट्स का बजट अपन लोग को लग रहा है, बट एक्चुअल मार्केट साइज निकला 1,20,000 यूनिट्स का, तो कैन आई से 20,000 यूनिट्स मार्केट में ज्यादा बिकने वाली है। उसमें से मुझे तो मेरे ही शेयर के लिए खुश होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास तो उतने ही कस्टमर्स आएंगे। तो 4,000 यूनिट्स इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस, कैन आई से मेरे को मिल जाएगा, मेरा जो भी वराइंस आएगा मेरा इधर फेवरेबल आएगा। क्यों मेरा फेवरेबल आएगा? बिकॉज मेरा यहाँ पे कब फेवरेबल आएगा, जब मेरा एक्चुअल मार्केट साइज इज मोर देन द बजटेड मार्केट साइज, तब क्या आता है, फेवरेबल। ये तुमको समझा? सो कैन आई से ये मेरे को एकदम क्लियर हो गया? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। अब दूसरा है मेरा मार्केट शेयर वारेंस, तो इधर मैं लिख देता हूं मार्केट शेयर वारेंस। इसको भी ऐसे ही लॉजिकली समझेंगे। सो मार्केट शेयर वारेंस में अपन देखेंगे भाई अपन ने एक्चुअल में कितना सेल्स किया, एंड इंडस्ट्री शेयर एज पर आर, इंडस्ट्री सेल्स एज पर आर शेयर कितना होना चाहिए था। मैं आपको इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, यही वाले एग्जाम्पल को। तो देखो कैन आई से इंडस्ट्री सेल्स, ये वर्ड को ध्यान से समझो, इंडस्ट्री सेल्स एज पर आर शेयर कितना होना चाहिए था। तो देखो टोटल इंडस्ट्री का साइज 1,20,000 निकला, बराबर उस हिसाब से 1,20,000 अगर मेरा टोटल साइज निकला, उस हिसाब से कैन आई से 20% मेरा शेयर, मतलब कैन आई से मेरे को 24,000 यूनिट्स बेचना चाहिए था यार बच्ची, कहना इसे मेरे को 24,000 यूनिट्स बेचना चाहिए था। माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मेरा 2 हो सकता है, हो सकता है कि मैंने ये 24,000 के जगह पे 25,000 यूनिट्स अगर बेचा, तो कहना इसे 1,000 यूनिट्स मैंने अपने शेयर से ज्यादा बेचा मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस, ये हो गया मेरा फेवरेबल वराइंस। हो सकता है कि मैंने खाली 20,000 यूनिट्स ही बेचा, तो कहना इसे अपने शेयर से मैंने 4,000 यूनिट्स कमती बेचा मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग प्राइस या बजटेड मार्जिन एज द केस में भी, ये हो जाएगा मेरे लिए एडवर्स वराइंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले मेरे को देखना है कि भाई इंडस्ट्री का टोटल साइज कितना है, उसमें से मेरा शेयर मेरे को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मुझे पता चल जाएगा यार आइडियली मेरे को इंडस्ट्री का जो साइज निकला है और मेरा जो शेयर परसेंटेज है, उस हिसाब से मुझे कायदे से 24,000 यूनिट्स बेचना चाहिए था, क्योंकि इंडस्ट्री का साइज 1,20,000 निकला है, मेरा शेयर 20% है बॉस, तो 24,000 हक से बेचना चाहिए था, बट मैं तो खाली 20,000 ही बेच पाया एडवर्स, मैं तो 25,000 बेच कर आया फेवरेबल। तो ये हो गया मेरा
मार्केट साइज, मार्केट शेयर वैरियंस फॉर्मूला के टर्म्स में अगर देखेंगे, बजटेड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज इनटू आवर शेयर इन मार्केट, तो मेरे को पता चल जाएगा फेवरेबल है या एडवर्स। एंड यहां पे एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस इंडस्ट्री सेल्स एज पर आवर शेयर परसेंटेज। बजटेड मार्केट साइज अगर एक्चुअल मार्केट साइज से ज्यादा निकला देन इन दैट केस एडवर्स, एंड वाइस वर्सा हुआ तो फेवरेबल। एंड एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी ग्रेटर देन इंडिविजुअल सेल्स क्वांटिटी इंडस्ट्री सेल्स एज पर आवर शेयर तो फेवरेबल होगा। तो जैसा मैंने इधर आप लोगों को बताया एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट वहां पे आ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? सो इस हिसाब से आपका सेल्स मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर ऑल्सो डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो इधर आपको दिख रहा होगा कि दो चीजें, एक अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल, उसके ऊपर मैं दो मिनट में आता हूं, पहले देख लो। आ जाओ, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, स्टार्टिंग में जब मेरा एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला था तब मुकेश भाई आए, मुकेश भाई मेरे को मिलके गए और बोले कि भाई सेल्स वाले का कितना, सेल्स क्वांटिटी, मार्केटिंग, मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सबका उन्होंने ले लिया। तो उनको पता चल गया कि भाई कितना बजटेड प्रॉफिट होने वाला है, वो उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बोल दिया, और उन्होंने जाके स्टेक होल्डर्स बोल दिया कि मित्रों इतना मेरा बजटेड प्रॉफिट होने वाला है, मित्रों इतना मेरा बजटेड प्रॉफिट होने वाला है। दिस इज देन कंपेयर्ड टू द एक्चुअल प्रॉफिट, दिस इज देन कंपेयर्ड टू द एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि बॉस मेरा बजटेड प्रॉफिट कितना था, इतना था, बट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट या तो ज्यादा होगा या कम होगा। करेक्ट भाई, आइडियली तो मैच होना चाहिए, जितना मुकेश भाई ने बोला था अपने को उतना ही बजटेड प्रॉफिट जितना था, अपन ने एक्सपेक्टेशंस उतना ही रखा होगा ना, उतना ही एक्चुअल होने वाला था। बट जरूरी तो नहीं है कि जितना बजटेड प्रॉफिट सोचा है उतना ही एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है अपन सोचे मार्क्स 60 आए, और हो सकता है 65 आ जाए, 70 आ जाए, 60 के जगह 55-50 भी आ सकता है। सो दैट रिकंसिलिएशन के भाई क्यों ये डिफरेंस आया है। अब उन्होंने तो अलग अलग डिपार्टमेंट को वो जिम्मेदारी सौंप दिया है, तो अब तक अपन लोग जो लास्ट डेढ़ घंटे से, 1.5 आवर से जो भी अपन लोग ने यहाँ पे वेरियंसेस निकाले, बीट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स मार्जिन रिलेटेड, वो सब अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो आइडियली सपोज मेरा बजटेड प्रॉफिट आया था यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 लाख करोड़ ही होगा, मुकेश भाई है तो 1 लाख करोड़ का मेरा इधर प्रॉफिट आया है। एंड एक्चुअल प्रॉफिट आया है से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1,10,000 crores का, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि इतना बढ़ कैसे गया, या हो सकता है कि इधर 1,10,000 की जगह पे 98,000 crores का प्रॉफिट आया है, तो 2,000 crores का प्रॉफिट क्यों कम हो गया, तो वो कैन आई से मेरे को रिकंसिलिएशन से पता चल जाएगा। तो मैं इधर देखते जाऊंगा कि भाई मटेरियल कॉस्ट मैंने बजट किया था से 2 लाख रुपीज का, और 2,50,000 का एक्चुअल में खर्चा हो गया, तो कैन आई से 50,000 मेरा यहाँ पे एडवर्स है, 50,000 अगर मेरा यहाँ पे एडवर्स है तो कैन आई से मेरा उतना प्रॉफिट कम हो गया। हो सकता है फिर बाद में मैं लेबर वराइंस के पास जाऊं, उसने बोला था कि भाई 5 लाख होने वाला है, उसके जगह पे उसने 4.5 लाख में काम कर दिया, तो कैन आई से यहाँ पे 50,000 मेरा फेवरेबल है, फेवरेबल है मतलब उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। इन द सेम वे कैन आई से मेरा वेरिएबल ओवरहेड का भी वराइंस आएगा। सपोज मैंने सोचा कि भाई मेरा यहाँ पे 10 लाख का वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आएगा, बट एक्चुअल में खाली 9 लाख का निकला, तो कैन आई से 1 लाख मेरा फेवरेबल है, तो उतने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। फिक्स्ड ओवरहेड का अगर इधर मैं देखूं तो 7 लाख का सोचा था, उसके जगह पे 7,75,000 हो गया, तो हो सकता है कि मेरा वहां पे 75,000 का प्रॉफिट कम हो गया। अभी अंडरस्टैंडिंग, तो ये फेवरेबल एडवर्स निकालूंगा, तो ऑब्वियसली जो भी मेरा फेवरेबल या एडवर्स आया वो मेरा एंड ऑफ द डे एक्चुअल प्रॉफिट के साथ बाद में रिकनसाइल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे सेल्स मार्जिन वैरियंसेस, इसमें सेल्स मार्जिन प्राइस आएगा, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम भी आएगा। तो सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम मतलब सेल्स मार्जिन वैल्यू को भी मैं देखूंगा कि भाई कितना मेरे को लगा था सेल्स मार्जिन, बजटेड सेल्स मार्जिन वैल्यू वैरियंस के हिसाब से, तो बजटेड सेल्स मार्जिन कितना था मेरा एक्सपेक्टेड, से इट कुड बी 10 लाख एंड एक्चुअल में मेरा आया है से 8 लाख, तो 2 लाख का यहां पे भी मेरा अगर नेगेटिव है देन इन दैट केस एडवर्स हो जाएगा, तो मैं रिड्यूस कर दूंगा। ये कॉस्ट मार्जिन वैरियंसेस को मैं एड लेस जब कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा बजटेड प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू माय एक्चुअल प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस इसी का तो नाम है रिकंसिलिएशन, एज सिंपल एज दैट।
तो रिकंसिलिएशन में आप बजटेड प्रॉफिट जो आपने ओरिजिनली प्लान किया था वो क्वेश्चन देगा आपको, वो आपको लिखना है। एक्चुअल प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो ना, वैसे पीएनएल अकाउंट बनाने का बाय एक्चुअल सेल्स टू एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट लिखते जाओ। कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कर दो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ये जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आता है ना, इसको कंपेयर करना है बजटेड प्रॉफिट के साथ। मैच होगा तो रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब मैच हो गया। बट अगर मैच नहीं हुआ, जैसे अपना बैंक बुक पासबुक नहीं होता था मैच, बट रिकंसिलिएशन बनाते थे अपन बैंक का 12th स्टैंडर्ड में, फाउंड सीए फाउंडेशन में। सो यहाँ पे भाई है तो सेम ही अकाउंट, बट एक जगह पे ज्यादा होता है, एक जगह पे कम, चेक डिपॉजिटेड या चेक इशूड नॉट डिपॉजिटेड, वैसा कुछ सीन होता है। सो बस वैसा ही कुछ यहाँ पे है। मैच नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम वैरायंसेस, फाइंड आउट करो ये मटेरियल लेबर किसकी वजह से कितना है, जिसका बेटर आया है उसको बोनस दो, जिसका फेवरेबल है उसको बोनस दो, जिसका एडवर्स आया उसको बोलो भाई तेरे को ये बार का बोनस नहीं मिलेगा। एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आर वी क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसमें अगर आपको बोला है, देखो 9 out of 10 times अब्सॉर्प्शन अप्रोच ही रहता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट अब्सॉर्प्शन अप्रोच ही अज्यूम करते हैं। अगर आपको बोला है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से जाओ, देन इन दैट केस एक चेंज आता है। चेंज किसका आता है? फिक्स्ड कॉस्ट का। बिकॉज अब्सॉर्प्शन में ना फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड उसके सब एनालिसिस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, ये सब होता है। बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग खाली एक ही फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है, वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट पे होता ही नहीं, तो खाली टोटलिटी पे होता है। तो जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड देखेंगे, बात खत्म। मेरा डिसीजन मेकिंग का वीडियो देख लेना, जो रिवीजन वाला वीडियो है, उसमें मैंने अब्सॉर्प्शन और मार्जिनल का डिफरेंस बताया, उधर से आपको और क्लैरिटी आ जाएगा इन केस यू नीड मोर क्लैरिटी। ए समझुगड़ू अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो इस हिसाब से मेरे को कैलकुलेशंस करना होता है। इन अब्सॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड के सब वेरिएंस आएंगे, इन मार्जिनल खाली एक फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, दैट्स इट। इन केस ऑफ अब्सॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड जो इधर वॉल्यूम वर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस है उसको यूज किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट जो अभी अपन लोग ने पढ़ा ना, ये वाला ये पूरा अब्सॉर्प्शन के बेसिस पे ही था। बजटेड सेल्स प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट या एक्चुअल सेल्स प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, ये सब अपना अब्सॉर्प्शन के हिसाब से। अगर मार्जिनल के हिसाब से आता है देन इन दैट केस देखो एक ही डिफरेंस है। इसमें क्या होता है पता है? बजटेड सेलिंग प्राइस अब्सॉर्प्शन में क्या करते हैं पता है? बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट में आ जाता है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। जबकि मार्जिनल का जब मैं प्रॉफिट या जिसको अपन कंट्रीब्यूशन कहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ना, तो मैं बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट ही, सॉरी, और वेरिएबल कॉस्ट ही लूंगा, मैं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लूंगा। क्या कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट आता है क्या? नहीं सर। सो इन शॉर्ट जब अपन उसका मार्जिन वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे तो बजटेड मार्जिन पर यूनिट में बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट में खाली मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ही आएगा, दैट्स इट। बाकी जो अब्सॉर्प्शन में जो भी अपन ने सीखा उसमें मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सब आता है, एज सिंपल एज दिस, जो वो मैंने इधर लिखी लिया। सो इसी के साथ आपका रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बजटेड टू एक्चुअल पूरा कंप्लीट, डिफरेंस बिटवीन अब्सॉर्प्शन अप्रोच एंड मार्जिनल कॉस्टिंग भी हो गया कंप्लीट। क्या फर्क है? एक फिक्स्ड ओवरहेड, इसमें छह के छह वैरायटी आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली एक फिक्स्ड ओवरहेड बजट अपना एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। दूसरा, इसमें जो मार्जिन वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे तो बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड भी माइनस होता है। इन केस ऑफ मार्जिनल खाली आपका मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ही माइनस होगा, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस नहीं होगा। सो उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरिएंसेस इज द वर्ड दैट इज यूज्ड। ए समझिगुडू? इसी के साथ आपका यहां पे कंप्लीट होता है क्या? रिकंसिलिएशन। आई होप वी आर क्लियर। चलो नेक्स्ट है मेरा फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस। बहुत ही सिंपल है कि जब आप वेरिएंस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। एक आपको देखना है कि भाई आपका प्लानिंग, हाउ इज योर प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुकेश अंबानी हो, देन इन दैट केस अगर आपको 100-200 रुपए का वैरायंस आया तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इट इज लाइक मुकेश अंबानी के जेब से अगर 100 रुपया गिर गया
तो वो उठाएगा भी नहीं, वो जितना टाइम उठाने में डालेगा उससे कई ज्यादा करोड़ रुपया तो वो उतने टाइम में कमा लेगा। सो आपको वैसा प्लानिंग करना पड़ेगा भाई, कौन से लेवल पे क्या आपको थ्रेशोल्ड रखना है, कि आपको क्या वराइंसेस ध्यान से देखना नहीं देखना। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टैब्लिश लिमिट्स एंड वराइंसेस, बियॉन्ड दोज लिमिट्स शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड, कि भाई 5% का वराइंस आया है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इन्वेस्टिगेट। दूसरा टाइप ऑफ वराइंस, देखो फेवरेबल वराइंस आया है देन इन दैट केस भाई उसके लिए अपने को शाबाशी देनी है, बट एडवर्स वराइंस के ऊपर अपने को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर बाद में कॉस्ट, मालूम पड़ा इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट इज हायर देन द बेनिफिट दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड। मतलब कोई वराइंस आया जिसमें 500 रुपए का एडवर्स वेरियंस आया, ठीक है, अब उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसका करेक्टिव एक्शन लो, वो करने में 5,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आप अपना वराइंस इन्वेस्टिगेट करेंगे, दैट वुड बी बेटर। पैटर्न इन वराइंस आपको देखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर वराइंस एडवर्स होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, देन इन दैट केस होल्ड करो, स्टॉप करो, बिकॉज आपको फिर बाद में उसके लिए करेक्टिव एक्शन इमीडिएट बेसिस पे लेना पड़ेगा। एंड अगर कोई बहुत ही अनकंट्रोलेबल अनरियलिस्टिक वराइंस हो गया, जैसे मैंने बोला क्रूड ऑयल का प्राइस था या पेट्रोल का प्राइस 100, बट अगर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर बहुत बड़ा कोई ट्रेड वॉर हो गया, इंडिया चाइना गल्फ वॉर ऐसा कुछ हो गया, देन इन दैट केस उसमें आपका जो मैनेजर है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उस एडवर्स वराइंस के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन या टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। सो All of these things are to be considered before investigating any variance. Factors to be considered when investigating variance में 5 चीजें आ जाएगी, planning, मुकेश अंबानी, 5 रुपया 10 रुपया कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा टाइप ऑफ वराइंस, एडवर्स हुआ तो ज्यादा ध्यान दो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, आपका वराइंस एनालिसिस शुड बी मोर प्रोडक्टिव। फिर बाद में आता है पैटर्न इन वराइंस, अगर कोई बहुत ज्यादा एडवर्स रेगुलर बेस पे हो रहा है देन इन दैट केस डेफिनेटली आपको उसको इवेल्युएट करना चाहिए। एंड बजटरी प्रोसेस इंप्रूव करो, अगर बहुत ज्यादा कोई अनरियलिस्टिक वराइंस आ रहा है देन इन दैट केस डोंट बॉदर इफ इट इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर। ओके डन, चलो नेक्स्ट है आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वराइंस। तो देखो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वराइंस बहुत ही सेंसिबल है, बिकॉज वो क्या करता है, वो आपको बता देता है कि भाई देखो कौन सा अनकंट्रोलेबल है कौन सा कंट्रोलेबल है। प्लानिंग वराइंस बोलता है कि भाई देख जितना पार्ट अनकंट्रोलेबल है ना उसके लिए यार कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वी विल नॉट गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ऑपरेशनल पार्ट है जहां पे एक मैनेजमेंट का कंट्रोल है एंड मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली प्लान करके कॉस्ट को कम कर सकता था, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो देखो अब तक अपन ने जो सीखा है ना, अब तक अपन लोग ने एक्सट्रीम सीखा है कि भाई क्या अपन बजट सेट कर रहे हैं एंड क्या एक्चुअल हो रहा है। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल बोलता है कि ठीक है देखो अपन ने जो बजट सेट किया था और एक्चुअल को कंपेयर करना है, बट क्या हो जाता है कई बार है ना मार्केट के सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेट कर देना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहां पे देखो बनाया है। सो आपने जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड बनाया था वो आप कंपेयर करते हो एक्चुअल्स के साथ, तो ये ना ये ओरिजिनल विद स्टैंडर्ड, ये है मेरा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये है मेरा ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जबकि ये प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला क्या बोलता है कि सुन भाई देख ओरिजिनल से रिवाइज के बीच में जो हुआ है, रिवाइज मतलब जैसा मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे जब मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था तब 100 का था, अब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहना इसे 500 का हो गया, तो कहना इसे मुझे भी रिवाइज स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, क्योंकि अब एक्चुअल में मैं अगर समझो 490 में लाया तो पुराना वराइंस क्या करता है, पुराना वराइंस क्या करेगा पता है क्या, ये 100 को 490 से कंपेयर करेगा, कौन मेरा ट्रेडिशनल वराइंस, तो वो तो यार थोड़ा अनफेयर हो गया ना। तो यहाँ पे प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस क्या बोलता है, पहले 100 टू 500 को कंपेयर करो, अब कहना इसे ये तो अनकंट्रोलेबल है, ये तो अपने हाथ में है ही नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग, बट कैन आई से 500 टू 490 जो हुआ है या हो सकता है 500 टू 510 हो सकता है, कैन आई से दिस इज इन आर हैंड्स, दिस इज योर कंट्रोलेबल वराइंस, दिस इज योर कंट्रोलेबल वराइंस। तो जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वराइंस है वो आपके वराइंसिस को स्प्लिट कर देता है इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वराइंसिस। अनकंट्रोलेबल वराइंसिस जो मेरा पार्ट होता है उसको मैं कहता हूं प्लानिंग वराइंस, इसको मैं कहता हूं प्लानिंग वराइंस, बिकॉज इसमें मैं कुछ भी प्लानिंग करूं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट अगर मैं ऑपरेशनली साउंड रहूं, अगर मैं ऑपरेशनली साउंड रहूं तो कैन आई से कंट्रोलेबल वराइंसिस मेरा बेटर हो जाएगा। सो ये मेरा हो जाएगा ऑपरेशनल वराइंस, ये मेरा हो जाएगा ऑपरेशनल वराइंस। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो क्या किया अपन लोग ने यहाँ पे, 100
चलो ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या करता है, 100 को कंपेयर करता है सीधा एक्चुअल 490 के साथ। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस क्या करता है, 100 और 490 के बीच में जो मार्केट की रियलिटीज है उसको कंसिडर करता है। तो मार्केट की रियलिटी के हिसाब से कहना है इससे अब मेरा जो प्राइसिंग है, रेट है, वो चेंज हो गया है। तो ओरिजिनल जो मैंने सोचा था और अब मार्केट में जो चल रहा है वो मेरे हाथ में है ही नहीं, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव चेंज। तो वो मेरा हो जाएगा प्लानिंग वेरिएंस। एंड एज रिगार्ड्स माई कंट्रोलेबल वेरिएंस इज कंसर्न, अब देखो जो मैंने मार्केट की रियलिटीज के हिसाब से एक बार रिवाइज स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब तो वो मेरे हाथ में, अब तो मेरे को उस कंट्रोल के हिसाब से मेरे को मेरा डिसीजन लेना पड़ेगा, वो हो जाता है ऑपरेशनल वेरिएंस। आओ अब ये वाला है जो इधर फोटो दिया है ना, वो फोटो को देखो, आपको सब समझ जाएगा। सो यहाँ पे अपने को कंपेयर क्या करना है पता है क्या, एक्चुअल रिजल्ट्स और एक्स अंटे स्टैंडर्ड। एक्स अंटे मतलब ओरिजिनल, वर्ड देखो उसका, ओरिजिनल, क्या बोला, ओरिजिनल। एक्स अंटे मतलब ओरिजिनल और एक्चुअल मतलब ये मेरा एक्चुअल। पुराना वेरिएंस मतलब ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या करता है, सीधा मेरा ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर करता है। बट न्यू टाइप ऑफ वेरिएंस जिसको प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस क्या बोलता है, इसको स्प्लिट कर देता है और बोलता है कि सुनो ये जो आपका रिवाइज है, जिसको ये लोग ने नाम दिया है एक्स पोस्टा, ये मॉड्यूल का लैंग्वेज है बॉस। तो ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है, सो एक्स आंटे या ओरिजिनल को रिवाइज से कंपेयर करो एंड फिर रिवाइज्ड को आप कंपेयर करो, रिवाइज्ड को आप कंपेयर करो एक्चुअल्स के साथ। सो ओरिजिनल इज कंपेयर्ड विद रिवाइज्ड एंड रिवाइज्ड इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल्स, ए सब जिगड़ू। सो ये होता है मेरा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। सो इसमें जो अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है, क्या बोला मैं, इसमें जो अनकंट्रोलेबल वाला जो पार्ट है ना, That is called as planning variance, जहां पे अपन original को revised के साथ compare करते हैं। So जब अपन original को revised के साथ compare करते हैं, उसको कहते हैं planning variance। And जब अपन revised को, actuals के साथ compare करते हैं, तो उसको कहते हैं operational variance। ए सब जुगड़ू। बोलो क्लियर हो गया। सो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल है इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्स अंटे। क्या बोलते हैं इसको, एक्स अंटे। एंड जो मेरा ये रिवाइज्ड है इसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्टा। ठीक है, ये इंटरनेशनल वर्डिंग्स है। रिवाइज को क्या बोलते हैं, एक्स पोस्टा। एंड एक्चुअल्स को क्या बोलते हैं, एक्चुअल्स ही रखते हैं इसको। तो एक्स अंटे इज कंपेयर्ड विद एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट इज देन कंपेयर्ड विद एक्चुअल्स। समझिगड़ू। चल अब आओ यहाँ पे, अब इसमें अपने को फॉर्मूलास खाली इसमें अंडरस्टैंड करना है। तो पहला है, अगर एक इनपुट आता है क्वेश्चन में, देन इन दैट केस प्राइस वेरिएंस में क्या करेंगे अपन, तो देखो प्लानिंग वेरिएंस ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। तो देखो इधर ओरिजिनल जो भी, अभी देखो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, ऐसा ओरिजिनल स्टैंडर्ड का एक बनता है, तो तीन यहाँ पे अपने कॉलम्स बन जाते हैं, एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड का, एक रिवाइज का और एक एक्चुअल का। एक बन जाता है ओरिजिनल का, एक बन जाता है आपका रिवाइज्ड का, एक बन जाता है आपका एक्चुअल्स का। यहां पे आता है क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब जब खाली एक ही इनपुट है, चलो ये अनवांटेड चीज हटा देते हैं। अब यहाँ पे जब मेरे पास खाली एक ही इनपुट होता है ना, तो मेरे को पहले तो कैलकुलेट करना है प्राइस वेरिएंस। तो आप ही बताओ लॉजिकली, कैन आई से जब मैं प्लानिंग वेरिएंस निकालूंगा यहाँ पे और दूसरा ऑपरेशनल वेरिएंस निकालूंगा, लॉजिक वही रहेगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, तो प्लानिंग वेरिएंस में क्या करेंगे अपन, प्राइस के प्लानिंग वेरिएंस में क्या करेंगे, ओरिजिनल रेट और रिवाइज रेट को कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल रेट इज कंपेयर्ड विद रिवाइज रेट इन टू एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एंड जब मैं मेरे ऑपरेशनल का कैलकुलेशन करूंगा, तो ऑपरेशनल के कैलकुलेशन में क्या होगा, कैन आई से यहां पे मैं रिवाइज रेट को एक्चुअल रेट से कंपेयर करूंगा, कैन आई से यहां पे मैं रिवाइज रेट को एक्चुअल रेट से कंपेयर करूंगा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी इन द सेम वे। देखो ना, खुद ही अपन डिराइव कर, मैंने ना फॉर्मूला देखा ना आपको दिखाया, ऑटोमेटिकली खुद से आ पा रहे अभी आपको। इन द सेम वे जब मेरे को इधर यूसेज का कैलकुलेशन करना है, सेम लॉजिक, ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने सोचा था माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। इसको कहना से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ओरिजिनल रेट के साथ, एंड यहां पे क्या आ जाएगा मेरा,
रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड तो नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड रेट। सब जिगड़ू से इधर देखो आ जाएगा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड ऑपरेशनल में आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे आ जाएगा यूसेज वेरिएंस, ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेट, एंड ऑपरेशनल में आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट, जो इधर अपन लोग ने ऑटोमेटिकली खुद से डिराइव कर लिया। सब जिगड़ू। सो ये था व्हेन देयर इज ओनली वन इनपुट, बट एग्जाम में मोर देन वन इनपुट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जो मोर देन वन इनपुट वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा। लेट्स फोकस। सो यहां पे देखो, इन केस ऑफ मोर देन वन इनपुट, तो जो प्राइस वेरिएंस है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंट्रोलेबल पार्ट, दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल पार्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब मोर देन वन इनपुट होता है ना तो क्या होता है सिनेरियो, वो आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। मोर देन वन इनपुट होता है ना तो क्या होता है, देखो एक मेरे पास रॉ मटेरियल होगा पी, दूसरा होगा क्यू, इसका मेरे को रेट दिया होगा 10 और से फॉर एग्जांपल इसका मेरे को रेट दिया होगा 8, ठीक है। अब एक्चुअल में ये रॉ मटेरियल का रेट दिखा है, ये सब रेट लिखा है, ये भी क्या है रेट है। अब एक्चुअल में इसका रेट निकलता है से फॉर एग्जाम्पल 11 रुपीज, इसका एक्चुअल में रेट निकलता है 11 रुपीज, या समझो इसका एक्चुअल में रेट निकलता है से इट कैन बी 12 व्हाटएवर, तो 11 12 कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये पी वाला चूज कर लिया और पी वाले का एक्चुअल रेट निकल गया 12, बट मेरे पास तो ऑप्शन था ना कि मैं Q8 में भी चूज कर सकता था। सी क्या सिचुएशन है पता है क्या, मेरे पास दो रॉ मटेरियल है, एक है पी दूसरा है क्यू, मैं दोनों में से एक मेरे को चूज करना है, मैंने पी चूज किया, ठीक है ना, मैंने पी चूज किया ये सोच के कि चलो पी आगे जाके कम में मिलेगा, बट एक्चुअल में पी का प्राइस तो हो गया 12 रुपीज। सो ये एक सिचुएशन हो सकता है व्हेन देयर आर मोर देन वन इनपुट, या समझो। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने जो इंस्टीट्यूट ने लिया था। सो और एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मोर देन वन इनपुट वाला सिचुएशन है, इंस्टीट्यूट का ही एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक है ना केमिकल ए है और दूसरा था केमिकल बी, अपने को लगा कि केमिकल बी चीपर होगा, अपने को लगा कि केमिकल बी चीपर होगा एट द रेट ₹15, एट द रेट ₹15 पर केजी, ठीक है। तो ये अपने को ऐसा लगा था, दिस इज व्हाट वी फेल्ट, एंड तो ये इधर लिख देता हूं वी फेल्ट एंड फाइनलाइज्ड, वी फेल्ट एंड फाइनलाइज्ड, बट हुआ क्या पता है क्या, केमिकल तो अपन लोग ने इधर कौन सा फाइनल किया, केमिकल बी अपन लोग ने फाइनल किया, ये सोच के कि केमिकल बी सस्ता होगा, ₹15 पर केजी में अपने को मिल जाएगा, वो सोच के अपन लोग ने बजट बना दिया और इसको फाइनल कर दिया। बट हुआ क्या, आपको पता है क्या, केमिकल बी हो गया ₹16 का और केमिकल ए अपने को मिल रहा था 15.4 में, और वो तो छोड़ो जब एक्चुअल में अपन लोग लेने को गए ना तो एक्चुअल में केमिकल बी अपने को मिला एट 16.4। बोलो स्याप्पा, इसको कहते हैं स्याप्पा, मतलब अपने नसीब ही खराब है, होता है ना एग्जाम में जो ऑप्शन में छोड़कर जाओ वो ही आ जाता है, और जो इज्जत से पढ़कर जो अपने को लग रहा आने वाला यार ये बार तो ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो तो यार होता है ना आपके साथ भी। सो बस एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे जो परचेस टीम है उसके साथ ऐसा हुआ, तो मोर देन वन इनपुट हुआ, तो आपने केमिकल बी चूज किया ये सोच के कि केमिकल बी सबसे सस्ता होगा, ₹15 पर केजी में मिलेगा, बट जब एक्चुअली मार्केट में वो खरीदने का टाइम आया दैट पॉइंट इन टाइम केमिकल ए का प्राइस था 15.4 एंड केमिकल बी का प्राइस था 16, एंड एक्चुअल में जब आपने खरीदा तो आपको 16.4 में खरीदना पड़ा। अब यहां पे आ जाओ अपने फॉर्मूलास पे, अब मेरे को आप बताओ इसमें से कौन सा पार्ट आपके लिए कंट्रोलेबल है कौन सा पार्ट अनकंट्रोलेबल है, उस हिसाब से अपन लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए तो इसमें ना अपन अभी एक टेबल बना देते हैं, जो अपन लोग अभी बना रहे थे ना टेबल, वैसा टेबल बना देते हैं, ठीक है। आओ टेबल में बनाएंगे अपन, लिखेंगे इधर ओरिजिनल, इधर अपन लोग लिखेंगे रिवाइज, और इधर अपन लोग लिखेंगे एक्चुअल, बराबर है। अब देखो ओरिजिनल
कितना क्वांटिटी, कितना रेट, अमाउंट। देखो क्वांटिटी में तो कहीं पे कोई चेंज इतना ज्यादा है ही नहीं, मचमच ही नहीं है। क्वांटिटी अपन लोग ने सोचा था 10,000 यूनिट्स लेंगे। रेट अब अपन लोग ने कौन सा फाइनल किया, कैन आई से ओरिजिनल रेट अपन लोग ने 15 के हिसाब से फाइनल किया केमिकल बी को। सो ये यहाँ पे मेरा इधर अमाउंट आ गया जो भी है वो। फिर मैंने इधर रिवाइज किया, तो रिवाइज जब मैंने किया तो क्वांटिटी मेरा बदला नहीं, वो 10,000 का 10,000 ही रहा, वो मेरा 10,000 का 10,000 ही रहा। रेट मेरा बदल के हो गया वो टाइम पे 16, 15 का 16 हो गया ना बच्ची, तो इधर हो गया मेरा 16। एंड अमाउंट जो भी मेरा आएगा वो ठीक है। एक्चुअल में मेरा क्वांटिटी निकल गया 11,000 यूनिट्स का, रेट मेरा यहाँ पे आ गया 16.4, तो इधर 16.4 लिख देंगे। अमाउंट मेरा जो भी आएगा, अब मेरे को इसको फॉर्मूला में डालना है, मेरे वाले फॉर्मूला में, तो चलो आओ डालते हैं। सबसे पहले है मेरा अनकंट्रोलेबल, तो सुनो यहां पे अभी देखना ध्यान से। मेरे पास एक ये ओरिजिनल इनपुट रेट है, दूसरा मेरे पास 15 के साथ कंपैरिजन है, मेरा इधर 16 का, तो ये 15 और 16 का कंपैरिजन है, और इधर एक 15.4 भी है। तो यहां पे मेरे को एक 15.4 जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव केमिकल है वो भी लिखना पड़ेगा। अब आओ लॉजिक्स, एकदम लॉजिक्स को अप्लाई करना है, इजीली आपका सम सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक्स देखो क्या बोलता है। ओरिजिनल मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था, ये देखो इधर आ जाओ, हाँ ये वाले पेज पे आ जाओ। ओरिजिनल मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था, तो देखो मैं इधर क्या आ रहा हूं, प्लानिंग अनकंट्रोलेबल वेरिएंस पे आ रहा हूं। हाँ प्लानिंग के मेरे अनकंट्रोलेबल वेरिएंस पे आ जाओ। मेरा ओरिजिनल रेट कितना था, एकदम ओरिजिनल मैंने सोचा था 15, बट मैंने चूज कौन सा किया 15.4, मैंने चूज कौन सा किया 16 वाला, मैंने केमिकल बी को चूज किया। अब मेरे हाथ में था मैं 15.4 और 16 इन दोनों में से कौन सा चूज करूं। कैन आई से ये तो मेरे बस में था, कैन आई से ये तो मेरे वश में था, इट वाज इन माय हैंड्स कि मैं 15.4 करूं या 16 को चूज करूं। तो ये जो मेरा कंट्रोलेबल वेरिएंस है ना, इधर मैं बोलूंगा 15.4 और 16 का कंपैरिजन होना चाहिए। अब मैं कुछ भी कर लेता, कुछ भी कर लेता, कहना इससे मेरे को 15 का 15.4 एटलीस्ट इतना तो देना ही पड़ता, कहना इससे वो तो मेरे लिए अनकंट्रोलेबल था। 15 का मेरे को 15.4 तो देना ही पड़ता, मैं कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो क्या। तो देखो ना, कुछ भी मैं अगर ए चूज करता तो 15.4 देना ही पड़ता, 16 चूज करता तो वो तो मैंने चूज किया है, बट एटलीस्ट 15.4 तो देना ही पड़ता। तो 15 से 15.4 आप बोल सकते हो यार अनकंट्रोलेबल है, उतना मेरा 15.4 तो मेरा जाता ही जाता। तो ये मेरा आ जाता है 15 माइनस 15.4, ये मेरा हो जाता है अनकंट्रोलेबल, ये तो इंकर होना ही पड़ता। बट एटलीस्ट मैंने 16 का सोचा, 16 वाला मैंने केमिकल चूज किया, उसके जगह मैं 15.4 वाला भी चूज कर सकता था ना, थोड़ा सा प्रिडिक्शन बराबर लगा था। तो सो ये हो गया मेरा अनकंट्रोलेबल एंड कंट्रोलेबल वेरिएंस रिलेटेड टू प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है मेरा, प्राइस के तीन ऑप्शन आए तो रिलेटेड टू प्राइस। अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव में है ऑपरेशनल वेरिएंस, तो ऑपरेशनल वेरिएंस में एक है रिवाइज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो ये तो बहुत ईजी है। 16 माइनस 16.4, 16 माइनस 16.4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी है मेरा 11,000, तो ये मेरा इधर 11,000 आ जाएगा। फिर बाद में है मेरा इधर यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो कहना इसे मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 10,000 रॉ मटेरियल ही है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ये मेरा 11,000 है इन टू रिवाइज स्टैंडर्ड रेट। आप मेरे को बताइए कि मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड रेट कितना है, कहना ही सही, मेरे पास रिवाइज स्टैंडर्ड रेट है 16 का, तो इधर आ जाएगा मेरा 16। सर इधर अपने को मल्टीप्लाई किसे करना है, कहना ही सही, इधर मेरे को देखो दोनों जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करना है, विच इज 10,000 एंड विच इज 10,000, एंड ये मेरा आंसर आ गया है फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। मैं आपको खाली एक हिंट दे देता हूं कि आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो वाला जो क्वेश्चन है ना वो यही है एज इट इज, वो यही है एज इट इज, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे अपन। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ लो मैंने आपका सॉल्व करवा दिया है जी। हाँ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का ये क्वेश्चन, ये देखो इधर आपको दिखेगा 15 केमिकल बी अपन ने चूज किया, बाद में मालूम पड़ा यार केमिकल बी महंगा हो गया, केमिकल ए 15.4 में मिल रहा था बट तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, और फिर मालूम पड़ा कि यार 16.4 में अपन ने एक्चुअल में परचेज किया है। तो कहना ही सही, ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो ऑलरेडी मैं आपके सामने यहाँ पे रिक्रिएट कर चुका हूं, बस एग्जैक्टली यही सिनारियो का इधर मैंने सोल्यूशन भी आप लोग के सामने प्रेजेंट कर दिया है, इधर मैंने आप लोग के सामने
हैं, सोल्यूशन भी प्रेजेंट कर दिया है, समझ गड़ू। सो प्लानिंग वेरियंस में आप प्राइस देखोगे, प्राइस में क्या देखोगे कि भाई देखो मैंने ओरिजिनली सोचा था ₹15 में केमिकल भी ले लूंगा, बट मालूम पड़ा कि आगे जाके केमिकल ए सस्ता में मिला 15.4 में, तो कुछ भी हो जाए 15.4 तो देना ही पड़ता अनकंट्रोलेबल, बट एटलीस्ट 15.4 और 16 में तो मैं 15.4 सही चूज कर सकता था ना, तो वो तो मेरे लिए मेरे बस में था, कैन आई से दैट वाज कंट्रोलेबल, तो 15.4 और 16 कंट्रोलेबल पार्ट हो गया। और फिर आ जाते हैं अपन ऑपरेशनल वेरिएंस पे, उसमें एक अपन लोग ने क्वांटिटी को कैलकुलेट किया 10,000 माइनस 11,000 इनटू ओरिजिनल अपना रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस विच इज 16 एंड 16 एंड 16.4 जो केमिकल बी है वो एक्चुअल में कितने में मिल सकता था 16 में, बट मैं कितने में लाया 16.4 में, वो मेरा एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। सो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा पूरा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ए आपको समझ गुड़ू अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये वाला एग्जांपल आप लिख लो मस्त में, और उसके बाद इधर जो मैंने इधर नंबर्स लिखे वो लिख लो, या उधर ही डायरेक्टली वो सम सॉल्व कर लो एंड आपका सम पूरा क्लियर हो जाएगा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में। इसके बाद फिलहाल इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, सो बिंदास इसको एकदम बराबर से कर लो, ये वापस से मेरे लेक्चर को सुन लो एंड यू विल बी थ्रू। ए समझ गड़ू प्लीज। चलो अब है ऑलमोस्ट अपन कंप्लीशन के स्टेज पे। सो अब है आपका मेथड्स यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस, ये आपका थियोरेटिकल पार्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। सो मेथड्स यूज के लिए दो ऑप्शन है, एक तो है थंब रूल मॉडल जो आपको बोलता है कि भाई देखो कुछ ना कुछ एक आप है ना थ्रेशोल्ड डाल दो कि भाई 5% के ऊपर गया देन इन दैट केस उसको हम लोग वेरिएंस को एनालिसिस करेंगे वरना नहीं करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई 25,000 के ऊपर एडवर्स वेरिएंस आया तो हम एनालिसिस करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। So, ये हो गया थंब रूल। दूसरा होता है आपका डिसीजन स्टैटिस्टिक डिसीजन मॉडल, जिसमें दो पार्ट होता है, एक होता है इन कंट्रोल एक होता है आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आपके विद इन कंट्रोल हुआ देन इन दैट केस यू विल इवैल्यूएट एंड आप उसको एनालिसिस करने का ट्राई करोगे, और आउट ऑफ कंट्रोल हुआ देन इन दैट केस एनालिसिस करके मतलब ही नहीं है बिकॉज दैट इज एनी विच केस नॉट कंट्रोलेबल इन योर हैंड्स। सो ये देखो दो टाइप होते हैं मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस के, एक होता है सिंपल थंब रूल जो क्या बोलता है बेस्ड ऑन आर्बिट्री क्राइटेरिया सच एज इन्वेस्टिगेटिंग इफ एब्सोल्यूट साइज 25,000 से ज्यादा वेरिएंस हुआ तो देखेगा, ऑफ अ वेरिएंस इज ग्रेटर देन अ सर्टेन अमाउंट, और इफ रेशियो ऑफ वेरिएंस टू द टोटल कॉस्ट एक्सीड सम 5% प्री डिटरमाइंड परसेंटेज। दूसरा ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक इन कंट्रोल हुआ द वेरिएंस इज ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशंस, तो आपको देखना पड़ेगा भाई क्यों हुआ है, एंड अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ देन इन दैट केस क्या आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो टू रेमेडी is what will be done. So, ये है सिंपल एकदम मेथड यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंसेस। फिर ये कॉन्सेप्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, एग्जाम में आ सकता है, प्लीज बराबर से थियोरी पढ़ लेना। क्या पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंस, मतलब कई बार समझो फॉर एग्जांपल मैं ना परचेज मैनेजर हूं, ठीक है, अब परचेज मैनेजर हूं तो मैंने उनको बोल के रखा है कि भाई देखो मैं है ना रॉ मटेरियल ₹100 में खरीदूंगा, ये पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल ₹100 में खरीदूंगा। अब पॉजिटिव वेरिएंस के लिए मैं क्या करूंगा, जाके ना चीप मटेरियल ले आऊंगा और चीप मटेरियल ₹90 में मिल जाएगा, तो मेरा तो काम हो गया ना, क्योंकि मैं तो ₹100 की चीज ₹90 में ले आया बट क्वालिटी खराब है, चीप क्वालिटी का मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना, सानू की फर्क पड़ता, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ₹100 की चीज ₹90 में लाया हूं, मेरा तो वेरिएंस पॉजिटिव हो जाएगा बट उसकी वजह से यूसेज खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल आया है तो बहुत सारा मटेरियल तो खराब निकलेगा उसमें, और उसमें से अपन लोग बहुत सारा मटेरियल प्रोसेस करने को जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, so that can become a big big issue. So ये कई बार interdependence में है ना, एक variance आपका अच्छा हो जाता है but दूसरा इतना खराब हो जाएगा कि वो overall cost variance को आपको बढ़ा देगा। Same way labor में भी हो सकता है, कई बार bonus के लिए काम एकदम फटाफट कर देंगे अपन लोग बट हो सकता है कि उसमें अपन लोग क्वालिटी ना दे पाए। सो ये सब जो इंटरडिपेंडेंसीज है ना इसके बारे में बात कर रहा है, ये पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंस। आओ दिखाता हूं, यूज ऑफ चीपर मटेरियल विच इज पुअरर क्वालिटी The material price variance will be favorable, but this can cause wastage of material leading to adverse usage variance. Use of more skilled labor to do the work will result in adverse labor rate variance. क्योंकि समझो ना, जो काम एक आर्टिकल क्लर्क कर सकता है उसके लिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लूं, काम तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा बट कैन आई से रेट वेरियंस खराब हो जाएगा मेरा, बट प्रोडक्टिविटी माइट बी हायर ड्यू टू एक्सपीरियंस लेबर। सो
ऑफसेट हो गया एक दूसरे के साथ। चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ टीम, या हो सकता है कि मेरा जो मटेरियल है उसका कॉम्पोजिशन मैं चेंज करूं, उसकी वजह से भी एडवर्स फेवरेबल वेरिएंस कैन बी प्लेड। सो चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ अ टीम माइट रिजल्ट इन चीपर लेबर मिक्स बट लोअर प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स ट्राइंग टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस इन ऑर्डर टू गेट बोनस, तो कई बार बोनस के लिए आप प्रोडक्टिविटी अच्छा कर लोगे अपना, माइट यूज मटीरियल वेस्टफुली इन ऑर्डर टू सेव टाइम। सो अगेन, एक जगह पे आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे बट उसके जगह पे आपका मटीरियल वेस्ट हो रहा है, यू विल नॉट बी कंसर्न अबाउट दैट। कटिंग सेल्स प्राइस, तो कई बार लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यूज करते हैं लोग, जानबूझ के जो प्राइस है वो आप कम करोगे, तो कम सेलिंग प्राइस कर दोगे, तो एडवर्स वेरिएंस हो गया प्राइस वेरिएंस का, बट उसके जैसे डिमांड बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम वेरिएंस बेटर हो सकता है। सो कटिंग सेल्स प्राइस माइट रिजल्ट इन हायर सेल्स डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स, तो फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम बट एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस। सिमिलरली फेवरेबल सेल्स प्राइस वेरिएंस मे रिजल्ट इन एडवर्स सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आल्सो। सो ये दीज आर द सिचुएशंस व्हिच आर पॉसिबल, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंसेस। तो मटेरियल का देखा अपन ने, लेबर का देखा अपन ने, सेल्स का देखा अपन ने, आपको लॉजिकली मैंने समझा दिया है, बस एग्जाम में आया तो लिख कर आओ कि भाई कई बार क्या होता है सेल्स डिमांड सप्लाई, तो जानबूझ के आप सेलिंग प्राइस कम करोगे तो हो सकता है सेल्स डिमांड बढ़ जाए तो सेल्स वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा बट आपका सेलिंग प्राइस अनफेवरेबल आ जाएगा, या फिर आप मटेरियल के केस में जानबूझ के चीप रॉ मटेरियल ले आओगे बट उसकी वजह से आपका यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। तो ये जो भी इंटरडिपेंडेंसीज पॉसिबल है 5-6 यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर ली एंड वी आर डन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना मैकडोनल्डाइजेशन। मैकडोनल्डाइजेशन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो मैकडोनल्ड में क्या होता है पता है क्या, वो लोग कोई भी बर्गर बनाते हैं ना, देन इन दैट केस दे डिवाइड देयर वर्क। एक बंदा खाली जो पैटिस होता है ना, जो पाव होता है बर्गर होता है, वो खाली वो बर्गर सप्लाई करेगा, एक बंदा खाली उसके अंदर पैटिस रखेगा, एक बंदा उसके अंदर खाली जो कुकम्बर और वो सब होता है वो डालेगा, एक बंदा उसको खाली फ्राई करेगा, एक बंदा उसमें खाली जो प्लेट में सॉस रखना है वो काम करेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने सब काम को डिवाइड कर दिया है। तो ये सिस्टम कहां से आया, मैकडोनल्ड से आया। तो अगर आप अपने काम को ओवरऑल जो काम है उसको वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उसको कहते हैं मैकडोनल्डाइजेशन। सो क्या होता है मैकडोनल्डाइजेशन में, एक पाव का काम करेगा, एक खाली पैटिस बनने का काम, एक खाली क्यूकम्बर बनने का काम, एक खाली प्लेट में सॉस डालने का काम, एक खाली फ्राई करने का काम, मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है। मैकडोनल्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन विच टेक्स अ टास्क, बर्गर बनाना एक टास्क है, एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू स्मॉलर टास्क। जो भी मेरा टास्क है उसको मैं क्या करूंगा, स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दूंगा। दिस इज रिपीटेड रिपीटेड अंटिल ऑल टास्क हैव बीन ब्रोकन डाउन टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल। मतलब सॉस रखने के लिए भी वो एक अलग उसको टास्क में डिवाइड कर देंगे। बोलो, द रिजल्टिंग टास्क आर देन रैशनलाइज टू फाइंड आउट सिंगल मोस्ट एफिशियंट मेथड फॉर कंप्लीटिंग ईच टास्क। अभी हर एक टास्क को वो लोग वापस से रीएनालाइज करेंगे और देखेंगे उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। All other methods then deemed inefficient are discarded. तो इसमें से जो भी बेस्ट efficient वाला चीज है वो रखेंगे, बाकी सब discarded. The impact of McDonaldization is that standards can be more accurately set and assessed for each task. अब आपको each task का time पता है, उसके अंदर क्या non-valuated activities है वो पता है, उसको आपने remove कर दिया, तो एकदम perfect budgeting किया जा सकता है by using McDonaldization. It can be easily ascertained that how much time and cost should go into each activity. Principles can be applied to other services like hairdressing, dentistry, ऑप्टिशियन सर्विसेज, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। सो मैकडोनल्डाइजेशन सिंपल वर्ड में बोलूं तो जितने भी टास्क है वो देखो, उसको डिवाइड करो इनटू लोएस्ट पॉसिबल डिवाइजेबल टास्क, हर एक टास्क को आप चेक करो एफिशिएंसी के टर्म्स में, उसमें से जो नॉन वैल्यू एडेड पार्ट है उसको रिमूव कर दो, इससे आपके पास खाली एफिशिएंट पार्ट बचेगा एंड आपको फिर बजटिंग विल बिकम इजियर। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकडोनल्डाइजेशन। याद रखना, इट कैन बी इजीली असर्टेन दैट हाउ मच टाइम एंड कॉस्ट शुड गो इनटू ईच एक्टिविटी, एंड फिर ये प्रिंसिपल आप हेयर ड्रेसिंग, ऑप्टिस्ट्री, डेंटिस्ट्री कहीं पे भी यूज करो, दिस विल बी कॉल्ड एज मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ टास्क या सर्विसेज। चलो फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं सम के थ्रू आपको करवा रहा हूं, बिकॉज उसका ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिकल है बट आई थॉट कि वो भी होना चाहिए, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो वैसे तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ना एक यहाँ पे आपको स्कैन कोड दिया है, तो ये सम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे यूट्यूब के लेक्चर में डाला है, आप इसको स्कैन करोगे तो इजिली वो ओपन हो जाएगा, बट फिर भी लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ एंड इसी के साथ अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी डन एंड डस्टेड हो जाएगा। डू लेट मी नो योर कमेंट्स।
हाउ डिड यू फाइंड द ओवरऑल लेक्चर? देखो आपके पॉजिटिव कमेंट्स विल मोटिवेट मी एंड अपन और बेटर रिविजन सेशंस आपको देते जाएंगे एंड वी विल किल इट इन द एग्जामिनेशंस. एग्जामिशन इज माय न्यू 40 इज द मंत्र जो अपने को यूज करना है. आओ देखते हैं. सो यहां पे देखो, इनडायरेक्ट मटीरियल, प्रोडक्ट टेस्टिंग, एनर्जी, तीन चीजें दिए. अब इसमें क्या होता है, लॉजिकली आपको दो फाइंड करना होता है, एक एफिशिएंसी वेरिएंस, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस. देखो इनडायरेक्ट मटेरियल का एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला है. दूसरा इनका एक्टिविटी क्या है, देखो एक्टिविटी सब आइडेंटिफाई है. दूसरा एक्टिविटी है प्रोडक्ट टेस्टिंग, उसका एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो. तीसरा इनका एनर्जी है, उसका एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो. अब बहुत ही सिंपल तरीका है इनका एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का. देखो एक यूनिट बनाने के लिए, मैं अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करता हूं, देन इन दैट केस एक यूनिट बनाने के लिए अपने को 0.5 किलोग्राम लगता है, बराबर है. एक्चुअल में आपने कितना क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स बनाया, तो 80,000 यूनिट्स बनाया. तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेटर लोगे तो क्या लॉजिक बैठेगा कि भाई एक यूनिट बनाने को स्टैंडर्ड 0.5 किलोग्राम लगता है, तो 80,000 यूनिट्स के लिए कैन आई से 40,000 किलोग्राम लगना चाहिए, बट एक्चुअल में 48,000 लगा है, मतलब कैन आई से एडवर्स है, 8,000 किलोग्राम आपने एक्स्ट्रा लिया, मतलब आप इनएफिशियंट हो. ये हो गया आपका एफिशियंसी वेरिएंस. दूसरा इसी में, ये एक्टिविटी का दूसरा है एक्सपेंडिचर. आइडियली क्या बोला है, एक किलोग्राम के ऊपर 20 पर किलोग्राम का खर्चा होना चाहिए. मैंने कितने किलोग्राम एक्चुअल में यूज किए, 48,000. सो उस हिसाब से 48,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कैन आई से 9,60,000 मेरा खर्चा होना चाहिए था, एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, जिस हिसाब से मेरे मटेरियल्स कंज्यूम हुए, बट मैंने तो खाली 9,40,000 में काम कर लिया, मेरा 20,000 एक्सपेंडिचर के टर्म्स में फेवरेबल आ गया. सेम लॉजिक प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, एक यूनिट के लिए 10 मिनट लगता है, तो आइडियली अगर मैं 80,000 यूनिट्स बनाया तो 8 लाख मिनट्स में काम हो जाना चाहिए, बट मैंने तो 7,40,000 में कर दिया, मैं एफिशिएंट हूं. बट एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मैं अगर देखूंगा तो 3 रुपीज पर मिनट लगना चाहिए, तो 7,40,000 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो 22,20,000 में काम हो जाना चाहिए था मेरा, बट मैंने 22,50,000 का खर्चा किया है, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा दिया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? इसी के साथ मेरा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एबीसी भी कंप्लीट होता है एंड पूरा का पूरा मेरा काम खत्म हो गया. ओके, सो टाइम टू से हास्ता ला विस्ता. एज आई सेड गाइस, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, शेयरिंग योर व्यूज, हाउ इट इज गोइंग, एंड जितना आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखोगे उतना आपको ओवरऑल फायदा होगा. And we will definitely rock it up in the examination. और कुछ आपके expectations है, और कुछ आपको चाहिए, please let me know. Lectures कैसे चल रहे हैं, revisions कैसा चल रहा है, let me know. And overall basis पे देखो मजा आना चाहिए, समझ रहे हो? अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, then in that case marks में भी 100% आपको मजा आएगा. Don't get scared by anything, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके लाइफ में होता है, मतलब CA बनने के बाद भी होगा, till the time we are alive वो होते रहेगा. So बोलते ना, human beings are made to come back. So, बस अगर कभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, don't worry, watch these revision lectures, come back ले लो, and give your best. Time to say hasta la vista guys, keep smiling, keep rocking, and get the best marks. पूरा efforts डाल रहा हूं मैं मेरी तरफ से, same चीज expect कर रहा हूं मैं आपकी तरफ से भी, कहीं पे अब अपने को कसर नहीं छोड़नी है. We have to give our 200%, and then फिर बाद में, I am sure we will get the results that we deserve. Thank you so much.